Am I clearly audible and visible to you all? इतना वेट तो नहीं कराया मैंने कि आपको गाना लिखना पड़ जाए. नीलेश, वेरी गुड इवनिंग. ऑल राइट, तो आज हमने पढ़ना है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स. हेलो, गुड इवनिंग, नमस्ते टू एवरी वन. आई एम डॉक्टर ज्योत्सना एंड आज हम पढ़ेंगे मॉर्फोलॉजी. उससे पहले जो आज पहली बार हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं, वेलकम टू वन डे वन चैप्टर. हम लोग रोज सक्षम बैच में फॉर 90 डेज वी आर प्लानिंग वन चैप्टर वन डे लाइव एट 6 o'clock. आप सबको शेड्यूल मालूम है, जिसको नहीं मालूम है वो डिस्क्रिप्शन में देख ले, लिंक दिया है. आई कैन शो इट टू यू ऑल्सो. आज हम पढ़ रहे हैं मॉर्फोलॉजी एंड एवरी डे देयर इज अ सब्जेक्ट. इफ टुडे इज बायोलॉजी, टुमारो देयर इज गोइंग टू बी फिजिक्स, देन केमिस्ट्री, देन अगेन बायोलॉजी. एवरी थर्ड डे इट रिपीट्स. ठीक है, एंड आई हैव ऑलवेज टोल्ड, बच्चे मेरे को आजकल रोज मैसेज करते हैं, मैम अभी तक नहीं पढ़ा, 12th का बोर्ड नहीं हो रहा है, अब बोर्ड कैसे प्रिपेयर करें, नीट कैसे प्रिपेयर करें, प्लीज बता दो. ओनली एंड ओनली थिंग इज कंसिस्टेंसी. मैंने पहले भी बोला था, हमारे टाइम में वी यूज टू रीड ओनली 2 to 3 hours a day, है ना, एंड वही बस रोज वही पढ़ना होता था. हमारे को तो कोई एक्स्ट्रा टाइम भी नहीं मिलता था एंड ऐसा कोई मैंने खास कोचिंग भी ज्वाइन नहीं किया था. मेरे से नहीं हो रहा था, मैंने बोला मैं नहीं कर सकती, दोनों बोर्ड कोचिंग मेरे से नहीं होगा. तो आई यूज टू रीड ओनली 2 to 3 hours a day एवरी डे. आप लोग तो 10-10, 12-12 घंटे पढ़ते हो. आई गेट क्वेरीज, मैं 14 घंटे पढ़ सकता हूँ, मैं 12 घंटे पढ़ सकता हूँ. आई एम अमेज्ड कि इतने घंटे आप इफेक्टिवली पढ़ लेते हो. हैट्स ऑफ टू यू, है ना. एंड इफ यू कैन रियली रीड फॉर सो मेनी आवर्स, तुम्हारे पास तो सेल्फ स्टडी का इतना टाइम है. यू जस्ट हैव टू चूज वन टॉपिक अ डे. Read 2 hours with us in the evening. Practice its question the next day, 8 a.m. Everybody who subscribed in this section batch can solve questions. And we solve very important questions. बिल्कुल जो previous years में आए हुए हैं, जो most probable है, कैसे उन्हें solve करना है, क्या technique लगती है, जल्दी कैसे करना है, कैसे सोचना है, कहाँ गलती हो सकती है, कहाँ गलती नहीं करनी है. And अभी गलती करने का scope है, paper में गलती नहीं करनी. ठीक है. सेकेंडली, यू ऑल हैव टू पुट योर सेल्फ इन टू द टेस्टिंग सिचुएशन. जैसे मैं कहती हूँ कि सिर्फ थ्योरी पढ़ लेना इंपॉर्टेंट नहीं है. सिर्फ जो मैंने क्वेश्चन आपको लगवा दिए वो तो मैंने करवाया ना, आपने खुद से क्या प्रैक्टिस किया. तो यू हैव टू पुट योर सेल्फ इन टू द टेस्टिंग सिचुएशन. अपनी एंग्जाइटी, अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड आपको टेस्ट करना है. एंड यू विल बी ओनली एबल टू डू इट व्हेन यू विल सॉल्व टेस्ट एंड गिव टेस्ट. प्रैक्टिस क्वेश्चन, जितना रेपिटेशन होगा उतना अच्छा है. व्हाई एम आई सेइंग दिस बिफोर द लेक्चर. जैसे सब एनिमल किंगडम में बोलते हैं, मैम एग्जाम्पल्स के लिए निमोनिक बता दो, इसके लिए निमोनिक बता दो. निमोनिक तो बहुत बन सकते हैं, बट निमोनिक ही याद करते रह जाओगे, एग्जाम्पल्स याद नहीं रहेंगे. इन बायोलॉजी, इंस्टेड ऑफ टेकिंग रिफ्यूज इन निमोनिक्स, आई वुड से कि आप लोग उसको इतना ज्यादा रिपीटेड बार क्वेश्चन अटेम्प्ट करो उस एग्जाम्पल से रिलेटेड, वो आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा. ठीक है, अब एक मूवी आप 10,000 बार देख लेते हो, क्या आपको उसको याद रखने के लिए, या उसकी मल्टी स्टारर मूवी होती है ना, स्पेशली इंडिपेंडेंस डे पे तो हर बार आती है, हर साल देखते हो, पता नहीं कितनी कितनी सारी होती है. क्या तुम्हें कभी किसी का नाम याद करने की जरूरत पड़ी कि कौन कौन सा रोल प्ले कर रहा है, उसका निमोनिक किया है कभी? वो ऑटोमेटिकली याद हो जाता है, 2 बार में ही हो जाता है ना, बिकॉज योर कंसेंट्रेशन, योर हार्ट टू लर्न इट एंड द नंबर ऑफ टाइम्स यू हैव सीन दैट मूवी, तुम्हें वो याद रहता है. वही टैक्टिक है. एक गाना तुम 10-10 बार सुनते हो, बी प्राक का मेरा फेवरेट है, इसलिए मैं बार बार उसको मेंशन करती हूँ. हाँ, तो वो याद हो जाता है ना, उसके लिए तो निमोनिक नहीं बनाना पड़ता, उसके चाहे 10 पैराग्राफ हो वो याद हो जाता है. वैसे ही बायो भी याद हो सकती है, बस उसको उतना ही 10 बार रिपीट करना है जिसका आप आलस कर जाते हो. मैं नहीं मान सकती किसी बच्चे ने 10 बार एक तरीके का क्वेश्चन सॉल्व किया, वो एग्जाम्पल किया और उसको वो याद नहीं हुआ. इट्स नॉट पॉसिबल, है ना. ये तो आपका इमोशनल इंटेलिजेंस है, मेमोरी है, आपका हिप्पोकैम्पस है, जो आपको वो जबरदस्ती याद कराने पे फोर्स कर देगा. सो प्लीज माय एडवाइस, जब बहुत सारे एग्जांपल्स हो
तो उनके लिए निमोनिक बनाने की कोशिश ना करें, कोशिश करें कोई थ्योरी बना लें, कोई छोटा सा जोक बना लें, कोई छोटी सी स्टोरी बना लें उसके अबाउट, वो फिर आपको याद रहेगा, आप निमोनिक भूल जाओगे। आई डोंट बिलीव इन पर्सनली निमोनिक्स, इसलिए मैं ऐसा बोलती हूँ, अगर आपको याद रहते हैं इट वर्क्स फॉर यू, गुड फॉर यू, ठीक है। तो अगर कोई लेक्चर के बीच में मुझे बोलेगा कि प्लीज निमोनिक बता दो, तो सॉरी मैं नहीं बता पाऊंगी, मैं बनाती ही नहीं हूँ, ठीक है। मैं बहुत कम बनाती हूँ जो याद रखने वाले हैं, जो बहुत ज्यादा ज्यादा नहीं है, है ना, उनके लिए मैं फिर भी प्रेफर करती हूँ, वो भी एक स्टोरी फॉर्म में या एक एक टैगलाइन फॉर्म में, ऐसे एकदम से कुछ भी नहीं, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करें, वी हैव टू रीड एनसीईआरटी वर्ड बाय वर्ड। आई हैव मार्क्ड फ्यू लाइंस एंड आई हैव केप्ट फ्यू, हमारे जो फैमिलीज हैं वो मैंने छोड़ दिए, कि वो जो हमने पूरा चैप्टर पढ़ा उसका सार है फैमिलीज, ठीक है। और तीन फैमिलीज हमें मोटी मोटी करनी है, आपकी फैबेसी, सोलेनेसी और लिलिएसी। तो वी गो क्विक क्विक, अबाउट 1.5 hours विद यू, उसके बाद आई हैव टू टेक डाउट्स। तो स्टार्ट करें, हाउ टू मेक नोट्स ऑफ दिस सेशन, जो मैं बोलूं स्टार क्वेश्चन मार्क इंपॉर्टेंट है, उसको याद कर लो, उसको कहीं लिख लो, ठीक है, उस पे क्वेश्चन बनता है उसको मार्क कर लो, उसको हाईलाइट कर लो, आपको एनसीईआरटी हाईलाइटेड देंगे। दिस इज हाउ यू आर सपोज टू डू इट, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आई विल मेंशन स्टार क्वेश्चन मार्क, उसको तो पक्का कहीं लिख लेना या उसको टैग कर लेना या उसको हाईलाइट कर लेना, ठीक है। We'll talk about it, Jayendra, जब हम doubts लेंगे, ठीक है, we'll take doubts at the end, so please stay connected till the end, जितने भी doubts होंगे, I'll solve at the end, पहले let's फटाफट से read it, okay, let's kickstart the Shatabdi Express, all right, I hope everybody is able to see the NCERT, मुझे बहुत ज़्यादा zoom करने की ज़रूरत तो नहीं है। चलें जी, अब हम बोलते हैं कि मॉर्फोलॉजी क्या है, वो बोलते हैं मॉर्फोलॉजी द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, पहली बात, ठीक है। क्यों हमें प्लांट्स की मॉर्फोलॉजी पढ़नी है, क्योंकि अगर हमें उसकी क्लासिफिकेशन करनी है तो उसके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, उसके फ्लोरल कैरेक्टर्स पे ही क्लासिफिकेशन करी जाती है, इसलिए पढ़ने हैं, उसके टेक्निकल टर्म्स हमें पढ़ने हैं, साथ साथ हमारे को उनकी मॉडिफिकेशंस भी पढ़नी है जो उनकी अडैप्टेशंस है, ताकि हम उनको ढंग से क्लासिफाई कर सकें। तो इट इज इम्पोर्टेंट टू रीड मॉर्फोलॉजी टू क्लासिफाई देम इफेक्टिवली, क्रक्स यही है, ठीक है। फिर वो इस पैराग्राफ में बोलते हैं कि अगर किसी प्लांट को उखाड़ लो तो उसमें उसको क्या क्या पार्ट्स आपको नजर आएंगे, आपको रूट, स्टेम, लीफ नजर आएंगी, ठीक है। जो पोर्शन अबव होता है माने ग्राउंड से ऊपर दिखता है उसको हम बोलते हैं वो शूट सिस्टम है, और जो ग्राउंड से नीचे होता है उसको हम बोलते हैं कि वो रूट सिस्टम है, ठीक है। तो पहले उन्होंने रूट सिस्टम की बात करी कि ग्राउंड के नीचे वाला सिस्टम है, ये हमारे किस पार्ट से उगता है, हम बोलते हैं कि कोई भी प्लांट है, ठीक है, इट अराइजेस फ्रॉम द प्लांट एम्ब्रियो, और प्लांट एम्ब्रियो के दो कोई पोर्शन होंगे जो ये दोनों सिस्टम देंगे, रूट सिस्टम और शूट सिस्टम, वो कौन से पार्ट है आपको मालूम होना चाहिए, प्लांट एम्ब्रियो का कौन सा पार्ट रूट सिस्टम देता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपका रेडिकल रूट देता है, ठीक है। और जब वो रूट बनाता है तो बोलते हैं कि जो सबसे पहली रूट ग्रो करती है उसको हम प्राइमरी रूट बोलते हैं, जो आपका रेडिकल है लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी रूट, ठीक है। अब इस प्राइमरी रूट के बेसिस पे दो तरीके के रूट सिस्टम है, एक टैप रूट सिस्टम, एक फाइब्रस रूट सिस्टम। वो बोलते हैं जब प्राइमरी रूट नीचे की तरफ ग्रो करे और अपनी लेटरल ब्रांचेस दे सेकेंडरी टर्शरी, तो वैसा वाला रूट सिस्टम हो गया आपका टैप रूट सिस्टम, की एक मेन ब्रांच है और फिर उसकी लेटरल ब्रांचेस बन रही है, ये रूट हेयर नहीं है, ये ब्रांचेस दिखा रही हूँ, तो ये आपका टैप रूट सिस्टम हो गया, ठीक है। उसी तरीके से बोलते हैं एक फाइब्रस रूट सिस्टम होता है, उसके अंदर जो आपका रेडिकल है, मान लो ये मेरा प्लांट एम्ब्रियो का एक्सिस है और ये मेरा रेडिकल है, तो जो रेडिकल ग्रो करता है और प्राइमरी रूट बनाता है वो बड़ी छोटी सी होती है, शॉर्ट लिव्ड होती है। उसके बाद इसी के बेस से, मेरी रूट के बेस से और रूट्स निकलनी शुरू हो जाती हैं यहाँ पे, जो कि सेकेंडरी रूट्स की तरह एक्ट करती हैं। अब इन सबकी लेंथ एक जैसी होती है, चाहे वो प्राइमरी रूट हो चाहे वो सेकेंडरी रूट हो, सब इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं, इसमें कोई एक मेजर और एक माइनर या सेकेंडरी टर्शरी नहीं है। ऐसे तरीके के रूट सिस्टम को हम फाइब्रस रूट सिस्टम बोलते हैं। इनके लिए दो बातें दी गई हैं, कि जो आपका फाइब्रस रूट सिस्टम है वो ज्यादातर मोनोकॉट्स में दिया जाता है, ब्लू से मैंने मार्क किया हुआ है,
आपका फाइब्रस मोनोकॉट्स में होता है, ब्लू ब्लू ब्लू, ठीक है। उसी तरीके से हम बोलते हैं कि जो आपका टैप रूट सिस्टम है वो ज्यादातर आपके डायकॉट्स के अंदर होता है, जैसे कि मस्टर्ड। अब जो एग्जाम्पल्स दे रखे हैं उनको जरूर याद रखना, ठीक है, और रिलेट भी करते रहना कि मस्टर्ड किस फैमिली का है, ब्रैसिकेसी फैमिली, ये कैसा प्लांट है, डायकॉट, इसमें कैसा रूट सिस्टम होगा, टैप रूट सिस्टम। वैसे ही वीट, वीट की क्लासिफिकेशन फर्स्ट चैप्टर में भी दी हुई है, उसका ऑर्डर, उसकी फैमिली, उसका डिविजन सब आपको याद रहना चाहिए कि वो मोनोकॉट है, वो पोएसी फैमिली का है, पोएल्स का है, वो कैसा रूट सिस्टम शो करेगा, वो फाइब्रस रूट सिस्टम शो करेगा। वो बोलते एक और तरीके का रूट सिस्टम होता है जिसमें प्राइमरी रूट का कोई फंडा ही नहीं है, माने रैडिकल जो प्राइमरी रूट को पैदा करता है, अब की बार रैडिकल रूट पैदा कर ही नहीं रहा, कोई और ही पार्ट रूट को पैदा कर रहा है। जब ऐसा हो कि रैडिकल से ना अराइज हो रूट, किसी और पार्ट से रूट अराइज हो, ठीक है, उस तरीके के रूट सिस्टम को एडवेंटिशियस रूट सिस्टम कहा जाता है। आई रिपीट कि जब रैडिकल रूट ना बनाए तो ना वो प्राइमरी रूट होगी, और अगर प्राइमरी नहीं होगी तो उसके बेसिस पे टैप और फाइब्रस तो हो ही नहीं सकता रूट सिस्टम। तो ऐसे रूट सिस्टम को क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एडवेंटिशियस रूट सिस्टम, व्हेन इट अराइजेस फ्रॉम अ लोकेशन अदर देन द नेचुरल ओरिजिन, रेडिकल से नहीं आ रहा, ठीक है। और ये एडवेंटिशियस स्पेशली एग्जाम्पल दिया हुआ है मॉन्स्टेरा और बनियन ट्री। मॉन्स्टेरा एक तरीके की ग्रास है, तो अगर कभी आ जाए एग्जाम्पल में कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज एन एडवेंटिशियस रूट सिस्टम, उसमें मस्टर्ड दिया होगा, मॉन्स्टेरा दिया होगा, उसके अंदर वीट दिया होगा, हो सकता है राइस भी दिया हो, तो आपको पता होना चाहिए कि एडवेंटिशियस रूट सिस्टम एनसीईआरटी में एग्जाम्पल है मॉन्स्टेरा, ठीक है। मस्टर्ड को टैप रूट सिस्टम में बोला गया है, वीट को फाइब्रस रूट सिस्टम में बोला गया है, वीट राइस दोनों मोनोकॉट है, उनके पास फाइब्रस होगा। ऐसे क्वेश्चन बनाए जाते हैं, आपको आना चाहिए स्टार क्वेश्चन मार्क। Is this thing clear? ठीक है, फिर बोलते हैं कि रूट का मेजर फंक्शन क्या होता है। मेजर फंक्शंस मैंने हाईलाइट करती है, अब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर करता है, एंकरेज करता है, फिर वो स्टोरेज करता है, और ये बच्चे मिस कर जाते हैं, सिंथेसिस ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, आपके ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन, एब्सिसिक एसिड, ये भी प्राइमरी फंक्शन ऑफ रूट है, ठीक है। अब चलते हैं जो आपकी लेबलिंग दी हुई है कि आपके पार्ट्स है, अबव द ग्राउंड शूट सिस्टम, बिलो द ग्राउंड रूट सिस्टम, प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट, ठीक है। अगर डायग्राम आ जाए यू शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई ईच पार्ट, ठीक है। हम पढ़ेंगे बड क्या होता है, हम पढ़ेंगे फ्लावर क्या होता है, सो डोंट वरी। इज दिस थिंग अंडरस्टूड? फाइब्रस का एग्जाम्पल दिया हुआ है कि सारी रूट्स की लेंथ एक जैसी है, ये आपकी मेन रूट है, प्राइमरी रूट, ये छोटी छोटी रूट्स है, ये आपका टैप रूट सिस्टम हो गया। देख के आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि ये टैप रूट है, या फिर क्वेश्चन दे देंगे कि आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग हैज दिस टाइप ऑफ रूट सिस्टम, एग्जांपल दिया होगा, यू शुड बी एबल टू मार्क। इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। ये एडवेंटिशियस रूट सिस्टम दिखा रखा है, जहां पे आपको दिख रहा है कि आपकी नोड से या लीफ से अराइज हो रही हो अगर रूट, तो फिर वो आपका एडवेंटिशियस रूट सिस्टम है, ठीक है। चले आगे, अब वो बोलते हैं कि कुछ रीजन्स ऑफ रूट होते हैं, आपको मालूम होना चाहिए आपके पास थ्री रीजन्स ऑफ रूट होते हैं। एक टिप के पास होता है जिसको हम बोलते हैं रीजन ऑफ मेरिस्टमैटिक एक्टिविटी, उसके ऊपर, ऊपर के लिए हम वर्ड बोलते हैं प्रॉक्सिमल, ठीक है, या उसके पास आपके पास इलोंगेशन है, फिर उसके ऊपर रूट ऑफ मैचुरेशन है। बच्चे दिस इज द बेस ऑफ रूट, दिस इज द टिप ऑफ रूट, दिस इज द ग्राउंड, रूट नीचे की तरफ ग्रो करती है, तो उसकी ग्रोइंग जो एंड होता है वो डाउनवर्ड्स होता है, पॉइंटिंग डाउनवर्ड्स, जो उसका स्टेबल एंड होता है वो ऊपर होता है, बेस जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। सबसे नीचे आपको मेरिस्टमैटिक एक्टिविटी मिली, क्योंकि टिप पे आपको मेरिस्टमैटिक टिश्यू मिलता है, अपाइकल मेरिस्टमैटिक टिश्यू जो ग्रो करता है। अब इसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास एक थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम रूट कैप बोलते हैं। स्पेशली लिखा है रूट कैप का काम है प्रोटेक्शन करना। किसको प्रोटेक्शन करना? आपकी रूट टिप को जो कि ग्रो कर रहा है, ठीक है, क्योंकि वो ग्रोइंग टिप है, वहीं से ग्रोथ होगी। अगर उसको नुकसान हो गया तो रूट ग्रो नहीं करेगी, ठीक है, वहीं पे उसकी ग्रोथ रुक जाएगी। और अगर रूट की ग्रोथ रुक गई तो वो सारे फंक्शन जो वो परफॉर्म कर रहा है वो इफेक्टिवली नहीं कर पाए, पहली बात। फिर इसमें मेरिस्टमैटिक सेल की उन्होंने प्रॉपर्टीज दे रखी है कि सेल जो है वो थिन वॉल्ड है, वो डेंस प्रोटोप्लाज्म है, वो स्मॉल है,
तो ये एनाटॉमी से भी आ गया कि मेरिस्टेमेटिक सेल के क्या फीचर्स होते हैं, ठीक है, उनके पास प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है. फिर जोन ऑफ इलोंगेशन हो गई, ठीक है. दिस इज वेरी सिमिलर टू योर प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑल्सो, कि जैसे आपका ग्रोथ के फेजेस होते हैं ना, पहला फेज होता है फॉर्मेटिव फेज, फिर आपका इलोंगेशन फेज और फिर आपका मैच्योरेटिव फेज. वैसे ही है यहाँ पे भी कि पहले मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी होगी, फिर इलोंगेशन होगी जिसमें वो साइज में बढ़ेगा, लेंथ में बढ़ेगा, ठीक है, एंड फिर उसके बाद उसकी मैच्योरेशन होगी. मैच्योरेशन से एक वर्ड आपको ध्यान रखना है, डिफरेंशिएशन, माने स्पेशलाइजेशन माने फंक्शन. डिफरेंशिएशन का मतलब वो स्पेशलाइज हो रहा है, वो एक स्पेशल फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, एंड इट विल लूज द एबिलिटी टू डिवाइड. तो वही मैच्योरेशन में आपको देखना है कि वहां पे एक स्पेशल फंक्शन परफॉर्म होगा. व्हाट इज द स्पेशल फंक्शन ऑफ रूट? अब्सॉर्प्शन. कौन करता है रूट हेयर? क्वेश्चन आता है स्टार क्वेश्चन मार्क, इन विच जोन डू यू सी रूट हेयर? तो किस जोन में मिलेगा? जहां पे वो काम करता है. काम कौन सा काम करते हैं? जो डिफरेंशिएटेड होते हैं. डिफरेंशिएटेड कौन सी जोन में मिलते हैं? मच्योर जोन में. ये वर्ड्स आपको रिलेट कर रहे हैं. आपको इलोंगेशन जोन में काम करते हुए सेल ही मिलेंगे, आपको मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी में काम करते हुए सेल ही मिलेंगे. काम सिर्फ मैच्योरेशन जोन में होगा, अब्सॉर्प्शन सिर्फ वहां होगा. इज दिस अंडरस्टूड? याद रहेगा पक्का? चले आगे. देन वी से व्हाट आर द मॉडिफिकेशंस ऑफ रूट. जैसे कि स्टार्टिंग में बोला कि जैसे आपको टेक्निकल टर्म्स पता होने चाहिए, वैसे उनकी मॉडिफिकेशंस भी पता होनी चाहिए. यू डोंट हैव टू गो इनटू द डिटेल ऑफ लॉट ऑफ एग्जांपल्स. स्ट्रिक्टली रिस्ट्रिक्ट योरसेल्फ टू एनसीईआरटी. उसी में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको उसी पर ध्यान देना है, ठीक है. वो बोलते हैं कि एक प्राइमरी फंक्शन जो रूट के हैं, जो चार प्राइमरी फंक्शन हमने पढ़े कि वो स्टोरेज ऑफ फूड करता है, वो एंकरेज करता है, वो वाटर ट्रांसपोर्ट करता है, और वो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स रिलीज करता है. इसके अलावा अगर उसे कोई स्पेशल काम करना होता है तो वो मॉडिफिकेशन शो करता है. और वो स्पेशल काम क्या है? एक्स्ट्रा स्टोरेज ऑफ फूड हो सकता है, सपोर्ट हो सकता है, या फिर रेस्पिरेशन हो सकता है. आपको ये तीनों ही याद रखने हैं, सपोर्ट, रेस्पिरेशन या फिर एक्स्ट्रा स्टोरेज, ठीक है. सपोर्ट में दो मेंशन करें. आई हैव मेंशनड योर सपोर्ट इन ब्लू कलर. तो जो जो ब्लू में है वो सपोर्ट है. आपका प्रॉप रूट्स और स्टिल्ट रूट. प्रॉप रूट्स हम बोलते हैं ना, वो हवा में उड़ाने वाला प्रॉप होता है. आजकल डांस इंडिया डांस आ रहा है, कुछ तो आ रहा है ना, तो वो जो हवा में लटकी हुई होती है रूट्स बने इनकी, वो प्रॉप रूट्स, ठीक है, सपोर्ट काम करती है. फिर जो शुगर केन और मेज, ये दोनों आपके मोनोकॉट्स हैं, ठीक है. इनकी जो स्टेम होती है उसके नीचे, कभी गन्ना खाया है? जब गन्ना आप उखाड़ते हो, जब गन्ना आपके पास आता है, जो उसका नीचे वाला एंड होता है उस पर बहुत सारी छोटी छोटी रूट्स होती है. तो जो एंड वाले पोर्शन पे रूट्स होती हैं, बिल्कुल नीचे नीचे, सपोर्ट देने के लिए कि वो नीचे की तरफ ग्राउंड में उसको सपोर्ट करेंगी, एंकर करेंगी बेटर तरीके से, वो आपकी स्टिल्ट रूट्स होती है. उसको स्ट्रेट रखने के लिए, क्योंकि ये लंबे होते हैं, ठीक है. देन आपका आता है रेस्पिरेटरी रूट्स. वेरी 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 इंपॉर्टेंट स्टार क्वेश्चन मार्क, 10,000 बार पूछा गया है. कौन से प्लांट्स में रेस्पिरेटरी रूट्स होती हैं? ये प्लांट्स कौन से एरियाज में मिलते हैं? एग्जाम्पल क्या है? इनके पोर्स को क्या बोलते हैं? इन रूट्स को क्या बोलते हैं? ठीक है, तो हम बोलते हैं कि रेस्पिरेटरी रूट्स आर योर न्यूमेटोफोर्स. सच रूट्स आर कॉल्ड न्यूमेटोफोर्स. इनके पास एक न्यूमाथोड्स या फिर वैसी ओपनिंग्स होती हैं. ये वर्टिकली अपवर्ड्स ग्रो करते हैं, यूजुअली मार्शी एरियाज में जहाँ पे बहुत सॉल्टी कंडीशन है. तो नीचे सॉइल के नीचे रूट को इतनी अच्छी एनवायरनमेंट नहीं मिलती हवा लेने के लिए, सांस लेने के लिए. वो कहते हैं यहाँ पे इतना सॉल्ट है, मैं नहीं सांस ले सकता, मैं ऊपर जा रहा हूँ. तो जो वर्टिकली ऊपर ग्रो करे, जिसके पास पोर्स हो ऑक्सीजन एक्सचेंज करने के लिए सॉल्टी एरिया में, मार्शी एरिया में, उनको हम रेस्पिरेटरी रूट्स बोलते हैं. आर फॉर रेस्पिरेटरी, आर फॉर राइजोफोरा. एनसीईआरटी में दिया हुआ है, यहाँ पे दिखाया भी हुआ है. दिस इज राइजोफोरा, वो आपकी रेस्पिरेटरी रूट्स है. अब बच गया स्टोरेज. व्हाई डिड आई कीप इट फॉर लास्ट? बच्चे कंफ्यूज होते हैं. इसमें दो तरीके की रूट्स है जिनका स्टोरेज मेंशन किया गया. एक टैप रूट्स, दूसरी एडवेंटिशियस रूट्स. और दोनों के एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं कि कौन से ऐसे रूट्स हैं जो कि टैप रूट्स हैं और फिर वो मॉडिफाई हो जाते हैं फॉर स्टोरेज ऑफ फूड. वो दो प्लांट्स या वो टैप रूट्स की जो स्टोरेज है वो किस किस फॉर्म में हो सकती है? वो टर्निप कैरेट के फॉर्म में हो सकती है. ये दोनों याद रखना. टर्निप आपका शलगम, कैरेट आपका गाजर, ठीक है. दीज आर मॉडिफिकेशंस ऑफ टैप रूट फॉर स्टोरेज ऑफ फूड. बच्चे स्वीट पोटेटो इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ एडवेंटिशियस रूट, स्पेशली मेंशन किया गया है.
कि स्वीट पोटैटो इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ एडवेंटिशियस रूट फॉर स्टोरेज ऑफ फूड, वो टैप रूट नहीं है, तो क्वेश्चन आ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट. तो आपको मालूम होना चाहिए कि स्वीट पोटैटो इज नॉट अ मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट. इज दिस थिंग अंडरस्टूड? ठीक है, एक और डायग्राम दिया हुआ है. हमेशा डायग्राम्स को इम्पोर्टेंस दो, उनकी लेबलिंग को इम्पोर्टेंस दो. लिखा हुआ है स्टोरेज के लिए सारे ए हैं, ए में तो ये भी है, इसका मतलब एस्पैरागस की रूट्स भी स्टोरेज करती हैं. कहीं पे टेक्स्ट में तो नहीं दिया हुआ है, क्वेश्चन पूछ लेंगे कि एस्पैरागस की रूट्स क्या काम करती हैं. बेटा वो स्वोलन होती हैं, वो स्टोरेज करती हैं. ये किस तरीके की रूट है, टैप रूट, फाइब्रस रूट या एडवेंटिशियस रूट? दीज आर एडवेंटिशियस रूट. ये रिप्रोडक्शन का काम भी करती हैं. Very important. These are basically the reproductive roots which can also store food. These are adventitious root. Again question आ जाएगा. Which of the following are adventitious root? Accept. तो adventitious root में sweet potato का example दिया होगा, asparagus का example दिया होगा, ठीक है. Banyan tree की prop roots भी आपकी adventitious root है because they are arising from a location other than radical. Radical से तो नहीं निकल रही. और शायद टर्निप दिया होगा, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सी एडवेंटिशियस नहीं है. टर्निप इज टैप रूट, बाकी सब एडवेंटिशियस है. तो आपको अप्लाई करना आना चाहिए. मॉर्फोलॉजी में क्वेश्चन एग्जांपल बेस्ड आते हैं, एप्लीकेशन बेस्ड आते हैं. यू शुड बी एबल टू अप्लाई द कॉन्सेप्ट, रिलेट द एग्जांपल्स. सिर्फ निमोनिक से एग्जांपल्स डाल याद तो कर लोगे, अप्लाई कर लोगे? अप्लाई करना इज मोर इम्पोर्टेंट. याद तो लिंक करके भी हो जाएगा. Is this thing understood? चले आगे, I'm moving to stem. समझ में आ गया कि example based question कैसे पूछे जाते हैं. फिर वो बोलते हैं कि stem और root में difference क्या है? तो मैंने मोटे मोटे differences ना blue में रखे हैं कि जो stem है वो ऊपर का part है, root नीचे का है. Stem leaves, flowers, fruits bear करता है. Root primary root, secondary root, tertiary root bear करता है. Stem plumule से बनता है, रूट रेडिकल से बनता है. स्टेम के पास नोड इंटर नोड होते हैं, रूट के पास कोई नोड इंटर नोड नहीं होते. उसके पास क्या होता है, उसके पास जोन ऑफ मेरिस्टमैटिक एक्टिविटी होता है, जोन ऑफ इलॉन्गेशन होता है, जोन ऑफ मैचुरेशन होता है, ठीक है. और वो बोलते हैं कि स्टेम बड्स बियर करता है एट इट्स नोड. अब बड टर्मिनल भी हो सकती है, बड एक्सिलरी भी हो सकती है. बेटा एक्सिलरी वर्ड का मतलब समझना, ये स्टेम है, इट इज एक्टिंग एज एन एक्सिस. इसकी टिप पे अगर बड लगा तो वो टर्मिनल, अगर वो उसकी एक्सिस पे राइट लेफ्ट लगा तो वो एक्सियल. ये मतलब होता है एक्सियल और एक्सिलरी का. क्या मतलब होता है? अब हम बोलते हैं कि जब ये एंगल में बड लगे, ठीक है, सॉरी, अब अगर मान लो ये ब्रांच है, यहाँ पे ये एंगल बन रहा है, जब एंगल में बड लगती है तो हम इसको एक्सिलरी बड बोलते हैं. जो यहाँ पे उन्होंने ड्रॉ भी कर रखी है पार्ट्स ऑफ द बड, यहाँ है ना एंगल के अंदर, दिस इज एन एंगल और यहाँ पे बड है. तो ये जो बड है इट्स एन एक्सिलरी बड, टिप पे नहीं है, एक्सिल में है, तो एक्सिलरी बड है. इज दिस थिंग अंडरस्टूड? कि हमारे पास स्टेम पे बड लगती है. कहाँ लगती है बड? नोड पर, ठीक है, या तो टिप पे लगेगी या फिर एक्सिल पे लगेगी. हम बोलते हैं स्टेम यूजुअली ग्रीन होती है, आपकी रूट कलरलेस होती है. और स्टेम यंग वाली ग्रीन होती है, जो मच्योर स्टेम होती है या बुड्ढी स्टेम होती है, ओल्ड स्टेम होती है, वो सेकेंडरी ग्रोथ शो कर सकती है और वुडी हो सकती है, डार्क ब्राउन हो सकती है, ठीक है. फिर व्हाट आर द मेन फंक्शंस ऑफ स्टेम? लाइक देयर आर मेन फंक्शंस ऑफ रूट, फॉर एंकरेज, स्टोरेज, कंडक्शन एंड प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स. स्टेम ऑल्सो हैज सर्टेन फंक्शंस. व्हाट आर दोस फंक्शंस? इट एक्ट्स एज एन एक्सिस. सबसे पहले तो उसका मेजर काम है, मैं पत्तियां, फूल, फल अपने ऊपर लगाऊंगा, आई एम द मेजर एक्सिस, आई एम द हैंगर, ठीक है. उसके अलावा क्योंकि मैं एक्सिस हूं तो मेरे हैंगर के अंदर से मैं कंडक्टिव टिश्यू का पाथवे भी बन सकता हूं. तो क्योंकि मेरे से ही रास्ता बनेगा तो खाना, पानी सब मेरे से होकर जाएगा. तो आई एम अ पार्ट ऑफ द कंडक्टिंग सिस्टम, आई एम गिविंग द पाथवे टू द कंडक्टिंग टिश्यू, जाइलम एंड फ्लोएम. उसके अलावा ये क्या काम करता है? स्टोरेज, सपोर्ट, प्रोटेक्शन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ठीक है. खाना भी स्टोर कर लेगा, प्रोटेक्शन भी कर लेगा, वेजिटेटिव प्रोपगेशन भी कर लेगा, प्रोटेक्शन भी कर लेगा, ठीक है. अब ये सारे फंक्शंस जो एडिशनल फंक्शंस हैं इसके प्राइमरी के अलावा, उसके लिए ये मॉडिफिकेशंस शो करते हैं. कई बार
हम पढ़ते हैं कि देयर मॉडिफिकेशंस ऑफ स्टेम तीन हेडिंग्स में, कि अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशंस है, कौन सी ग्राउंड की नीचे रहती है स्टेम, जस्ट अबव द ग्राउंड मॉडिफिकेशन है हॉरिजॉन्टल टाइप वाली, और एरियल मॉडिफिकेशंस है, ठीक है। तो यहाँ पर जो अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशंस है उनको मैंने येलो रखा है, ठीक है, और उसके नाम भी उन्होंने स्पेशली मेंशन किया, आपको मालूम होने चाहिए। पोटेटो अंडरग्राउंड है, जिंजर अंडरग्राउंड है, टर्मरिक अंडरग्राउंड है, जिमीकंद अंडरग्राउंड है, कोलोकेशिया अंडरग्राउंड है। तो अगर कभी जिमीकंद मेंशन करे तो वो किस तरीके की स्टेम है, वो एक अंडरग्राउंड स्टेम है। जिमीकंद देखा है, अरबी जैसा होता है पर बड़ा बड़ा सा होता है, गंदा सा होता है देखने में, टेस्ट ठीक होता है, आलू जैसा होता है, ठीक है। मॉडिफाइड टू स्टोर फूड, ये जितने भी स्टेम मॉडिफिकेशंस है अंडरग्राउंड, दे आर ऑल मॉडिफाइड टू स्टोर फूड, जितने भी मेंशन किए, पोटैटो, जिंजर, टर्मरी, जिमीकंद, कोलोकेशिया, ठीक है। एंड ये जो अंडरग्राउंड स्टेम होती है, बिसाइड स्टोरेज, सिर्फ खाना स्टोर करने के अलावा, ये ऑर्गन्स ऑफ पेरिनेशन भी है, स्टार क्वेश्चन मार्क। ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन का मतलब अनफेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशन में बचा के रखने के लिए वो अंडरग्राउंड हो जाती है, छुप के बैठ जाती है, ठीक है, ताकि वो लंबे टाइम तक जिंदा रह सके। और क्या है अंडरग्राउंड के बारे में, वो बोलते हैं कुछ अंडरग्राउंड स्टेम्स, ठीक है, ऑफ सम प्लांट्स सच एज ग्रासेस एंड स्ट्रॉबेरीज, जब उनको नई जगह पे जाना होता है, ठीक है, उनके नए पार्ट्स उनको बनाने होते हैं, ठीक है, न्यू निशेस व्हेन ओल्डर पार्ट्स डाई देन न्यू प्लांट्स आर फॉर्म्ड, ठीक है, स्पेशली इन ग्रासेस एंड स्ट्रॉबेरी। यहाँ पे वो जो अंडरग्राउंड स्टेम्स की बात कर रहे हैं, जब वो नई जगह पे जाते हैं तो वो ऊपर आ जाते हैं, ठीक है, एंड दे आर मोस्टली टॉकिंग ऑफ रनर्स। यहाँ पे जो ग्रासेस एंड स्ट्रॉबेरी की बात हो रही है, जब उनको नई जगह पे जाना है तो यहाँ पे वो रनर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये टिपिकल अंडरग्राउंड स्टेम नहीं है, जब वो नए एरिया में जा रहे हैं माने वो ऊपर आ रहा है, जस्ट अबव द ग्राउंड है, इट्स अ नेम ऑफ द रनर दे आर टॉकिंग अबाउट। क्लासिक एग्जाम्पल्स योर ग्रासेस एंड स्ट्रॉबेरी, ठीक। फिर वो बोलते हैं कि कुछ एक मॉडिफिकेशन होती है टेंड्रिल, टेंड्रिल के लिए चार वर्ड याद रखना, या दो ही बहुत है, एक तो वो कॉइल्ड होती है और वो क्लाइंब करने में हेल्प करती है, सी फॉर कॉइल, सी फॉर क्लाइंब, ठीक है। इलास्टिक होती है, स्लेंडर होती है, इट डेवलप्स फ्रॉम एक्सिलरी बर्ड्स, किस में देखी जाती है, आपकी गोर्ड फैमिली में, कुकुम्बर, पंपकिन, वाटरमेलन, ये सब गोर्ड्स है, ठीक है, कुकुरबिटेसी फैमिली के हैं, इन सब में आपको टेंड्रिल मिलेगा। बहुत क्वेश्चन आते हैं एवोल्यूशन में, टेंड्रिल ऑफ कुकुरबिटा एंड टेंड्रिल ऑफ पी, एवोल्यूशन से रिलेट कर रहे हो आप, स्टार क्वेश्चन मार्क, किसका मॉडिफिकेशन है टेंड्रिल ऑफ कुकुरबिटा, स्टेम का, टेंड्रिल ऑफ पी किसका मॉडिफिकेशन होता है बेटा, इट्स अ मॉडिफिकेशन ऑफ लीव, बोथ आर टेंड्रिल, टेंड्रिल इज कॉइल्ड फॉर क्लाइंबिंग, फंक्शन सेम होगा बट एक स्टेम है एक लीफ है, तो व्हेन फंक्शन इज सेम structure is different, they are analogous to each other, so morphology of plants related to evolution, theek hai, yaad rakhna hai cucumber mein tendril is a modification of stem, aur cucumber ki family gourd family hai, bachpan mein yaad karte na english naam ki aapka pumpkin bhi ek gourd hai, yellow gourd bolte hain usko, theek hai, ghiya bhi ek gourd hai, watermelon bhi ek gourd hai, cucumber bhi ek gourd hai, kerela bhi, एंड ग्रेप वाइन्स, जी फॉर गोड, जी फॉर ग्रेप वाइन। देखो वाइन्स हमेशा ना ऐसे गोल 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 घूम कर चलती है, आई डोंट नो इफ यू हैव एवर बीन टू अ वाइनरी जहाँ पे ग्रेप्स उगाए जाते हैं वाइन्स बनाने के लिए, तो वहां पे ना लंबे लंबे ऐसे बड़े बड़े लाइन्स के अंदर ऐसे कॉइल स्ट्रक्चर्स में वो ग्रो करते हैं, तो ग्रेप वाइन्स एंड गोड हैव टेंड्रिल्स। मूविंग फॉरवर्ड, थॉर्न्स, जो आपका क्वेश्चन था मैम बोगेनविलिया में क्या होते हैं, थॉर्न्स होते हैं, ठीक है, थॉर्न्स क्या है, दे आर वुडी स्ट्रेट पॉइंटेड मॉडिफिकेशंस ऑफ स्टेम, क्या काम करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम ब्राउजिंग एनिमल्स, किस में देखे जाते हैं, सिट्रस में और बोगेनविलिया में, ठीक है। देन आपके वो वाले प्लांट्स, अब सिट्रस हमेशा याद रखना, सिट्रस की बड़ी सारी चीजें पूछी जाती है, सिट्रस के अंदर कैसी कैसी मॉडिफिकेशंस आपको देखने मिलती है उसको नोट करते रहना। तीन चार ऐसे प्लांट्स हैं जो हर जगह आते हैं, पी, कुकुम्बर, चाइना रोज, सिट्रस, ठीक है, और बनाना, ये कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनको हर जगह बात करेंगे हम, लीफ में भी, स्टेम में भी, फ्लावर में भी, फ्रूट में भी, तो इनको याद रखना है। चाइना रोज की सारी बातें,
टी की सारी बातें, कुकुम्बर की सारी बातें, सिट्रस की सारी बातें, ठीक है, बनाना की सारी बातें, प्लीज इनको याद रखना। ये पांच ऐसे हैं जो हर जगह बोले जाते हैं, इनकी हर चीज याद रखना। लीफ कैसी है, स्टेम कैसी है, रूट कैसी है, क्या मॉडिफिकेशन है, फ्लावर कैसा है, फ्रूट कैसा है, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड, और कौन सी मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम होती है एरिड रीजंस में, माने डेजर्टेड एरियाज में जो आपके प्लांट्स हैं वो पिंक कलर के दिखाए हैं। यूफोर्बिया भी हो सकता है जैसे कि, और ओपंशिया भी हो सकता है। आई एम सॉरी, क्या मॉडिफिकेशन होती है ओपंशिया में, कि जो उसके स्टेम्स हैं वो फ्लैटर्ड हो जाते हैं, ठीक है, और फ्लैशी किसमें हो जाते हैं, यूफोर्बिया में। क्यों हो जाते हैं ये फ्लैटर्ड या फिर फ्लैशी, क्योंकि इनको फोटोसिंथेसिस करना है। एरिड रीजंस में जो लीव्स होती हैं, दे आर रिड्यूस्ड टू स्पाइन्स टू रिड्यूस द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन, एंड इफ लीव्स आर रिड्यूस्ड टू स्पाइन तो फिर फोटोसिंथेसिस कौन करेगा, तब स्टेम करती है। और ऐसी स्टेम जो मॉडिफाई करती है फोटोसिंथेसिस करने के लिए, स्टार क्वेश्चन मार्क, इनको हम क्या बोलते हैं, आपकी फोटोसिंथेटिक स्टेम। अब जब उन्होंने मेंशन कर दिए तो उनका नाम आपको पता होना चाहिए। फोटोसिंथेटिक स्टेम को हम फाइलोक्लेड बोलते हैं या फिर क्लैडोड बोलते हैं। फाइलोक्लेड या फिर क्लैडोड दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर ही बातें हैं, बस फर्क इतना है कि फाइलोक्लेड के अंदर एक पूरा इंटायर स्टेम होता है, पूरा का पूरा एक नोड पूरा का पूरा हो जाता है। क्लैडोड में क्या होता है, ब्रांचेस होती है ना जो, वो फोटोसिंथेटिक हो जाती है। क्लैडोड में ब्रांचेस फोटोसिंथेटिक हो जाती है। क्लासिक एग्जांपल एस्पारागस, प्लीज रिमेम्बर, ठीक है। फोटोसिंथेटिक स्टेम आर कॉल्ड फाइलोक्लेड या फिर क्लैडोड। चले आगे, यहाँ पे स्पेशली लेबल किया हुआ है एक्सिलरी बड इज मॉडिफाइड इनटू टेंड्रिल। तो क्वेश्चन आ सकता है कि टेंड्रिल किसका मॉडिफिकेशन है, वो एक्सिलरी बड का मॉडिफिकेशन है, प्लीज, ठीक है। स्टेम इज मॉडिफाइड इनटू थॉर्न या फिर यहां पर उन्होंने लेबल कर रखा है स्पाइन, बट इफ यू हैव टू चूज बिटवीन थॉर्न एंड स्पाइन, प्लीज चूज थॉर्न, बिकॉज स्पाइन वर्ड वी यूज फॉर मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स इन पर्टिकुलर, ठीक है। थॉर्न इज अ वर्ड वी यूज फॉर मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। सो इफ आस बोगेनविलिया में स्टेम कैसा मॉडिफिकेशन शो करता है, वो थॉर्न बनाता है। थॉर्न किसका मॉडिफिकेशन है, स्टेम का मॉडिफिकेशन है, ठीक है। चले आगे, देन वो से कि और क्या मॉडिफिकेशंस देखने मिलती है। हमने अंडरग्राउंड देख ली, हमने जस्ट अबव द ग्राउंड देखनी है, ठीक है, जिसमें से एक हमने रनर पढ़ लिया, स्ट्रॉबेरी और आपका ग्रासेस। अब ये जो कुछ कुछ इन्होंने सेंटेंसेस लिखे हुए हैं ना, उसके कीवर्ड्स उठा के उनके नाम बता रही हूँ आपको। मैंने इसीलिए इनको तीन सेक्शंस में रख दिया, ठीक है। बनाना, पाइनएप्पल, क्रिसैंथेमम, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये तीन, बनाना, पाइनएप्पल, क्रिसैंथेमम। क्रिसैंथेमम सर बहुत प्रोमिनेंट है ना इसमें, ये सकर्स है। इट्स जस्ट अबव द ग्राउंड मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, जिसमें एक ऑब्लीकली अपवर्ड ग्रोइंग स्टेम होती है। जहां वर्ड आ जाए ऑब्लीकली अपवर्ड, समझ लो सकर की बात हो रही है। ये तीन में होता है, बनाना, क्रिसैंथेमम एंड पाइनएप्पल। कोई भी एक्स वाई जी बुक कुछ भी बोले, आपको एनसीईआरटी फॉलो करनी है। बनाना में, क्रिसैंथेमम में, पाइनएप्पल में, ठीक है। क्रिसैंथेमम सर सकर, ठीक है, ये ऑब्लीकली अपवर्ड ग्रो करती हुई जस्ट अबव द ग्राउंड मॉडिफिकेशन है। फिर वो बोलते हैं कि ये एक पार्ट है, ये पार्ट क्या बोल रहा है कि यहां पर मेरे पास इस तरीके की स्टेम है, सम टाइम के लिए एरियली ग्रो करती है, फिर आर्च डाउनवर्ड। जहां पे वर्ड आर्च आ जाए माने वो ऐसा जस्ट अबव द ग्राउंड हॉरिजॉन्टल स्टेम है, जिसमें स्टोलॉन की बात हो रही है, ऐसी बात हो रही है। यहाँ पे वो रूटिंग शो करेगा, फिर वो यहाँ पे रूटिंग शो करेगा, थोड़े टाइम के लिए एरियल रहा, फिर उसने कहा कि नहीं मेरे को ऊंचाई सुहानी नहीं, मैं नीचे जा रहा हूँ, ठीक है। आर्च डाउनवर्ड, जहां ये वर्ड आ जाए माने वो स्टोलॉन है, और ये स्टोलॉन की एग्जाम्पल आपकी एनसीईआरटी में क्या दे रखे हैं, स्टार क्वेश्चन मार्क। These are seen in plants. Specifically, if to mention कि आपके
जैस्मिन पेन. एम आई क्लियरली सीन? दे वर्क विद योर स्टोलॉन मिंट जैस्मिन. इनमें स्टोलॉन होता है, ग्रीन से हाईलाइट कर देते हैं. मिंट और जैस्मिन स्टोलॉन करते हैं. ठीक है, तीन बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन. सबसे ज्यादा सकर्स पे क्वेश्चन पूछा जाता है, बनाना, क्रिसेंथमम एंड पाइनएप्पल. ठीक है, मिंट एंड जैस्मिन में आपको क्या देखने को मिलेगा? स्टोलॉन. स्ट्रॉबेरी और ग्रासेस में क्या देखने को मिलेगा? रनर. ये वर्ड्स नहीं दे रखे बट उनको पूरा पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है. अगर किया हुआ है तो आपको मालूम होना चाहिए. चले आगे. एक और चीज उन्होंने बोली हुई है, वो एक्वेटिक के अंदर जो हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन में भी पढ़ते हैं, ऑफसेट की. पिस्टिया और इकोर्निया के अंदर शॉर्ट इंटरनोड, सिंगल इंटरनोड विद टफ्ट ऑफ लीव एंड रूट्स, इसको हम ऑफसेट बोलते हैं. 11th की एनसीईआरटी में उसको एक्सप्लेन किया हुआ है, 12th की एनसीईआरटी में इनके नाम दिए हुए हैं कि दीज आर द वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स. ठीक है, ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन करने के भी काम करते हैं. इज दिस थिंग अंडरस्टूड? मॉडिफिकेशंस ऑफ स्टेम. मूविंग टू लीफ, हम बोलते हैं लीफ कैसा स्ट्रक्चर है. लीफ एक फ्लैटन स्ट्रक्चर है. ठीक है, ये नोड पे पैदा होता है. बहुत इंपॉर्टेंट बात, इट बियर्स अ बड इन इट्स एक्सिल. इसके एक्सिल में, एंगल में एक बड होता है जिसको हम एक्सिलरी बड बोलते हैं, जो लेटर ऑन ब्रांच बना देता है. लीफ की ही एक ब्रांच बना देता है. ठीक है, दीज आर अरेंज्ड इन एन एक्रोपिटल ऑर्डर. देखो, एक्रोफोबिया होता है हाइट, माने छोटा बड़ा 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 बड़ा. ठीक है, तो पहले जो सबसे नई वाली लीफ आएगी वो ऊपर आएगी. ठीक है, जो बड़े होंगे वो नीचे नीचे ही रहेंगे. ठीक है, जो नए पैदा होते जाएंगे वो ऊपर आएंगे. ऐसे को एक्रोपिटल फैशन बोलते हैं. न्यू इज हाई. ठीक है ना, आजकल की जो नई जनरेशन है वो हाई फैशन करती है. ऐसे याद रख लो एक्रोपिटल फैशन को, कि व्हाट इज एक्रोपिटल फैशन? हाई फैशन. वो हाइट पे देखने को मिलेगा, नया वाला. ठीक है, अब वो बोलते हैं कि व्हाट आर द मेन पार्ट्स? लीफ बेस, पीटियोल, लमाइना. तीन है, मैंने तीनों की स्पेसिफिक कलर्स रखे हैं. प्लीज सी, लीफ बेस की सारी बातें येलो में है कि वो कैसा है. वो ऐसी चीज है जो अटैच करता है, बेस ऑफ द लीफ है जो उसको स्टेम से अटैच करता है. इसके बारे में दो तीन बातें हैं कि यहाँ पर लीफ बेस के ही कुछ अपेंडेजेस हैं, उसकी अपनी एक्सटेंशंस हैं, दो छोटे छोटे लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स जिनको स्टिप्यूल बोलते हैं. तो क्वेश्चन आ जाएगा, स्टिप्यूल्स आर अ मॉडिफिकेशन ऑफ मार्जिन, लमाइना, बेस, ऑल ऑफ दीज. आपको पता होना चाहिए कि स्टिप्यूल इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ द बेस ऑफ द लीफ. दे आर टू लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स विच अराइज फ्रॉम द बेस ऑफ द लीफ. मोनोकॉट्स के अंदर कई बार बेस ऐसा होता है कि इतना बड़ा हो जाता है कि वो एक शीथ ही बना देता है, जिसको हम स्केप बोलते हैं ज्यादातर. इन मोनोकॉट्स, शीथिंग स्केप. ठीक है, लेग्यूमिनस प्लांट्स के अंदर आपका जो बेस होता है वो स्वोलन होता है. ठीक है, और इस स्वोलन लीफ बेस को हम पल्विनस बोलते हैं. लेग्यूमिनस प्लांट पी. तो अब पी के दो चीजें आपको याद होगी, पी की लीफ टेंड्रिल बनाती है और पी का जो लीफ बेस है वो स्वोलन होता है और उसको हम पल्विनस बोलते हैं. स्वोलन फॉर स्टोरेज ऑफ फूड मोस्टली. फिर वो बोलते हैं पीटीओल, पिंक में रखा है हमने. पीटीओल होल्ड करता है आपके ब्लेड को, मानो अगर ये बेस है. ठीक है, तो आपका जो पीटीओल है वो एक्सटेंशन है, या फिर अगर आपका एल्बो बेस है तो ये आपकी जो पूरी फोरआर्म है ये पीटीओल है और ये लमाइना है. हाथ आपका लमाइना, अपर आर्म आपका पीटीओल और आपका जो एल्बो है दिस इज योर लीफ बेस. ये आपके पार्ट्स ऑफ लीफ. तो पीटीओल एक एक्सटेंशन है. ठीक है, जो कि होल्ड करता है, ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है ताकि हवा में ऐसे 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 आपकी लीफ फड़फड़ाती रहे बट टूटे नहीं. तो वो किसका काम है? वो पीटीओल का काम है. ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन, मॉडिफिकेशन ऑफ पीटीओल. ठीक है, दिस मॉडिफिकेशन ऑफ पीटीओल इज गिवन हियर, बट इसको यहीं पे पढ़ेंगे कि समटाइम्स द पीटीओल बिकम्स फोटोसिंथेटिक. ठीक है, इट एक्सपैंड्स एंड इट बिकम्स फोटोसिंथेटिक टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, एंड सच अ टाइप ऑफ फोटोसिंथेटिक पीटीओल इज नोन एज अ फाइलोड.
स्टार क्वेश्चन मार्क किस में देखने को मिलता है? ऑस्ट्रेलियन अकेशिया. अगेन मल्टीपल टाइम स्टार लगा लो, 10,000 बार पूछा गया है. ऑस्ट्रेलियन अकेशिया में कौन सी मॉडिफिकेशन है लीफ की, किस पार्ट की पीटीओल की, क्या काम करता है फोटोसिंथेसिस. ठीक है, तो फोटोसिंथेटिक पीटीओल किस में देखने को मिलता है ऑस्ट्रेलियन अकेशिया. इस पीटीओल को क्या नाम देते हैं, इसको हम फाइलोड बोलते हैं. तो आप यहीं पे लिख लो जहां पे आप पीटीओल पढ़ते हो कि पीटीओल फाइलोड भी होता है. कैसा फाइलोड? फोटोसिंथेटिक पीटीओल, फोटो पीटीओल. कौन से प्लांट में देखा जाता है? ऑस्ट्रेलियन अकेशिया. वेरी 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 इंपॉर्टेंट स्टार क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन बनता ही बनता है. अब आया तीसरा पार्ट आपका लमाइना. लमाइना के बारे में वो क्या बात करते हैं कि इसमें ज्यादातर वेन और वेनलेट्स होती है. वेन और वेनलेट्स रिजिडिटी प्रोवाइड करती है आपके लमाइना को. स्पेशली लिखा है खाना पानी का चैनल होती है. ठीक है, ये आपका जो लमाइना है ये इसमें इंसिजन्स होती है. इसकी शेप, इसका एपेक्स अलग अलग हो सकता है और इंसिजन्स भी अलग अलग हो सकते हैं. इंसिजन माने कटाई. कटाई माने कितना इसको हम कट करके इसमें होल्स या इसको डीप ले जा सकते हैं. तो मान लो अगर ये लीफ है, अगर मैं इसको यहाँ से काट दूं, इतना पोर्शन निकाल दूं, तो ये कैसी दिखेगी? अब ऐसी दिखेगी ना, इसको इंसिजन बोलते हैं जिनको नहीं समझ में आता. ठीक है, तो अब इंसिजन छोटा भी हो सकता है और बहुत बड़ा भी हो सकता है. इतना बड़ा कि बिल्कुल सेंटर तक काट दिया, उस बेसिस पर हम बोलते हैं कि जब इंसिजन अलग अलग हो लमाइना का, तो वो दो तरीके की लीफ बनाता है, सिंपल लीफ और कंपाउंड लीफ. सिंपल लीफ में कोई इंसिजन नहीं है, वो ऐसी की ऐसी पूरी है. पूरी के लिए वर्ड यूज करते हैं इंटायर. कंपाउंड लीफ में ऐसा होता है कि इंसिजन रीचेस अप टिल द मिडरिब, जो बिल्कुल सेंटर के अंदर एक मेजर वेन होती है जिसको हम मिडरिब बोलते हैं. अब डिपेंड करता है कि जब हम इंसिजन मिडरिब तक लेकर आ रहे हैं तो हम कैसा इंसिजन लेकर आ रहे हैं, कि सारी की सारी लीव्स एक कॉमन पॉइंट पर जुड़ रही है, या फिर मैंने इस तरीके से इंसिजन किया है, यहाँ से काटा, यहाँ से काटा, यहाँ से काटा, कि छोटे छोटे लीव्स बन रहे हैं बट वो एक कॉमन एक्सिस, एक लाइन शेयर कर रहे हैं. एक पॉइंट शेयर करने वाले छोटे छोटे लीव्स और एक लाइन शेयर करने वाले, लाइन को हम एक्सिस बोलते हैं. जब लाइन शेयर करते हैं तो उनको हम बोलते हैं कि ये मेरी पिनेटली कंपाउंड लीफ है, और जब एक पॉइंट शेयर करते हैं तो उनको हम बोलते हैं कि मेरी पामेटली कंपाउंड लीफ है. पॉइंट के लिए पाम, ये पांच पाम, और लाइन के लिए पिनेट. पिनेटली कंपाउंड और पामेटली कंपाउंड लीफ, इनके एग्जाम्पल दिए हुए हैं. जो एग्जाम्पल दिया हुआ है वही याद रखना है, यहाँ पे भी दिया हुआ है. ये लाइन वाला पिनेट नीम में होता है, पाम वाला एक पॉइंट पर सिल्क कॉटन में होता है. यही एग्जाम्पल याद कर लो कि पामेटली कंपाउंड लीफ आपको सिल्क कॉटन में मिलेगी, पिनेटली कंपाउंड लीफ आपको नीम में मिलेगी. ठीक है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट. एंड एक बात जो इसके लिए वो बोलते हैं कि जो आपकी कंपाउंड लीव्स है, a bud is present in the axil of the petiole in both simple and compound leaves. अब ये पूरा एक compound leaf है, इसके axil में bud होगा, but इसके जो छोटे-छोटे leaflets हैं, ये leaflet है, इसके axil में bud नहीं होगा. इस line का ये मतलब है कि not in the axil of the leaflet, पूरी leaf के axil में bud होगा, यहाँ पर bud होगा axil में, बट वो छोटे छोटे लीफलेट्स के एक्सिल में बड नहीं होगा. ठीक है, पॉइंट टू बी नोटेड. ये एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सी बातें सिंपल कंपाउंड लीफ के लिए ट्रू है, तो ये चार पांच लाइनें उठा के बोल देंगे और बोलेंगे आप बताओ क्या सही है क्या गलत है, हल्का फुल्का एक आधा वर्ड इधर उधर करके. इज दिस थिंग अंडरस्टूड? अब आती है फाइलोटैक्सी, दैट इज अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द एक्सिस. अब वो बोलते हैं कि फाइलोटैक्सी तीन तरीके की होती है, ऑल्टरनेट या फिर ऑपोजिट या फिर वर्ल्ड. बच्चों को इसका एग्जाम्पल याद रखने में दिक्कत होती है, आई अंडरस्टैंड, हो भी सकती है, और इस पर क्वेश्चन भी बहुत आते हैं. ठीक है, एक तो फैमिली बेस्ड क्वेश्चन बहुत आते हैं, एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन भी बहुत आते हैं. पहले तो समझ लो कि ऑल्टरनेट ऑपोजिट का मायना क्या है. ऑल्टरनेट वो बोलते हैं कि नोड पे ही लीव लगती है. जब हमने लीव पढ़ा था तो यही पढ़ा था कि लीव हमेशा नोड पे लगेगी. अब अगर ऐसा हो, एक नोड पे लेफ्ट साइड पे लग रही है, एक नोड पे राइट साइड पे, फिर एक नोड पे लेफ्ट साइड पे, फिर एक नोड पे राइट साइड पे, इस तरीके के अरेंजमेंट को हम ऑल्टरनेट बोलेंगे. ठीक है, अगर एक ही नोड पे इधर भी लग रही है और इधर भी लग रही है, फेसिंग ऑपोजिट टू ईच अदर, तो ऑपोजिट. अगर
ऐसा हो रहा है कि एक ही नोट पे दो से ज्यादा लीफ लग रही है और इनका एंगल एक दूसरे से अलग है, और फिर जब अगली नोट पे लग रहा है तो ऐसा नहीं कि इसी के ऊपर एग्जैक्टली सेम पैटर्न में, अब ये डिफरेंट डायरेक्शन में, ये डिफरेंट डायरेक्शन में, ये डिफरेंट डायरेक्शन में, ओवरलैपिंग नहीं है, एक के ऊपर एक एग्जैक्टली ऐसे नहीं है, ये ऐसे है। अगर ये नीचे वाला ऐसे है तो कहेगा मैं तेरे जैसा क्यों हूँ, तुझसे अलग हूँ, फिर वो कहेगा मैं तुझसे भी अलग हूँ, मैं तुझसे भी अलग हूँ। तो हर कोई एक अलग डायरेक्शन में लीव्स लगा रहा है, तो वो घुमावदार है। हम बोलते हैं सबसे ज्यादा घुमावदार क्या है, हमारी दुनिया है ना, जिसको हम वर्ल्ड बोलते हैं, आवर वर्ल्ड, WORLD, अर्थ, वर्ल्ड इज राउंड, घुमावदार। वैसे ही जो आपका वर्ल्ड है, और वर्ल्ड के लिए हम क्या पढ़ते हैं, एटलस। तो वर्ल्ड का एग्जाम्पल क्या हो गया, एटलस एल्स्टोनिया, याद रहेगा, ठीक है। ऑपोजिट, ऑपोजिट के लिए मैं हमेशा बच्चों को याद दिलाती हूँ कि आपका गुआवा खाने वाला है, ठीक है। और आप ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन चैप्टर में पढ़ते हो कि कैलोट्रोपिस ऐसा प्लांट है जिसकी लीव्स ऐसी मॉडिफिकेशन शो करती हैं कि हर्बीवोरी से बचने के लिए उनकी लीव्स एक तरीके की मिमिक्री करती हैं, एक तरीके का केमिकल अपने अंदर रखती हैं जो कार्डियक ग्लाइकोसाइड होता है, वो टॉक्सिक। तो एक दोनों ऑपोजिट है एक दूसरे से, कैलोट्रोपिस टॉक्सिक है, गुआवा एडिबल है, दीज आर टू ऑपोजिट, दे शो ऑपोजिट फाइलोटैक्सी, ठीक है। एंड ऑल्टरनेट, देखो चाइना रोज आ गया, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, फिर से आ गई कोरोना की वेव, एंड आई हेट चाइना फॉर दिस, है ना। तो कोरोना से बचने के लिए वैक्सीन तो कोई काम आने नहीं है फिलहाल, दो इट इज येट प्रोटेक्टेड, बट स्टिल जो लगवा रहे हैं उनको भी हो रहा है। तो ऑल्टरनेट ट्रीटमेंट क्या है कि चाइना मस्ट गेट सन रोस्टेड, तो चाइना मस्ट गेट सन रोस्टेड, तो चाइना रोज, मस्टर्ड, सनफ्लावर, ये आपके ऑल्टरनेट फाइलोटैक्सी शो करते हैं, ठीक है। एक स्टोरी बना लो, मुझे ऐसे ही याद रहता है तो मैं यूजुअली ऐसे ही बता देती हूँ, ठीक है। फाइलोटैक्सी, ये एग्जांपल्स बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इन पे एग्जांपल बेस्ड क्वेश्चन आ जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव आ जाएगा, चूज द ऑपोजिट आ जाएगा, चूज द ऑड वन आउट आ जाएगा, मैच द कॉलम आ जाएगा, किसी भी तरीके से अप्लाई करके आएगा, डायरेक्ट नहीं आएगा, ठीक है। तो अगर रट्टे मारो तो अप्लाई करना भी जान लो, एंड इफ यू रियली वॉन्ट टू लर्न हाउ टू अप्लाई, प्लीज ज्वाइन अस टुमारो एट 8 o'clock, वी विल बी सॉल्विंग क्वेश्चन एंड वी विल टेलिंग यू द टेक्निक्स हाउ टू सॉल्व दैट। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, व्हाट आर द मॉडिफिकेशन ऑफ लीव, टेंड्रिल किस में होता है, पी में, अभी बताया था। स्पाइन्स, मैंने बोला था स्पाइन वर्ड आप हमेशा लीव के मॉडिफिकेशन के लिए यूज करोगे, जो यूजली आपके एरिड प्लांट्स, डेजर्ट प्लांट्स में होता है, कैक्टस। फ्लैशी लीव्स, खाना स्टोर करने के लिए, अनियन और गार्लिक के अंदर होते हैं। पीटीओल, आपका फोटोसिंथेटिक हो जाता है, टेक्स अप एज द फंक्शन ऑफ लीफ, ऑस्ट्रेलियन अकेशिया। एंड योर सर्टन इंसेक्टिवोरस प्लांट्स शो लीफ मॉडिफिकेशंस इनटू अ पिचर, आपका निपेंथीस और मे बी अ ब्लैडर लाइक इन आर्टिकुलेरिया, और मे बी सम अदर फॉर्म टू ट्रैप लाइक इन वीनस फ्लाईट्रैप। वीनस फ्लाईट्रैप का साइंटिफिक नाम लिखा हुआ मैंने, डायोनिया म्यूसिपा होता है, आप डायोनिया भी याद रखो, हो सकता है आ जाए, पता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे स्पेशली दे रखा है पी का लीफ टेंड्रिल, फोटो देख के आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू स्पाइन्स, ये छोटे छोटे स्पाइन्स दिखाए हुए हैं, ये फ्लैटर्ड स्टेम है। कौन सी होती है फ्लैटर्ड स्टेम, जब लीव स्पाइन जैसी होती है, आपका फाइलोक्लेड, ठीक है। तो स्टेम इज फोटोसिंथेटिक इन कैक्टस, एंड व्हिच इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, फाइलोक्लेड। यहाँ पे आपके वेजिटेटिव पार्ट्स खत्म हो जाते हैं, रूट, स्टेम, लीफ। नाउ वी हैव टू मूव टू द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, दैट इज योर फ्लावर, फ्रूट, सीड। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्लावर, ठीक है। फ्लावर की 4-5 बातें जान लो, पहले तो कि फ्लावर होता क्या है। हम बोलते हैं कि फ्लावर इज अ मॉडिफाइड शूट, शूट सिस्टम का हिस्सा है। शूट सिस्टम में स्टेम आता है, लीफ आता है, फ्लावर आता है, ठीक है। तो इट्स अ मॉडिफाइड शूट, इसका मतलब इसके पास भी नोड इंटरनोड होंगे, बट फर्क सिर्फ इतना है कि जो फ्लावर के नोड इंटरनोड होते हैं, इनके इंटरनोड बड़े नहीं होते, इनके इंटरनोड छोटे छोटे रह जाते हैं, कंडेंस्ड रह जाते हैं, ठीक है। और जब इनके इंटरनोड कंडेंस्ड रह जाते हैं तो इनके जो नोड्स हैं उन पे अपेंडेजेस लगती हैं, जैसे यहाँ पर स्टेम की नोड पर लीव्स लगती हैं। तो आपकी जो फ्लावर एक मॉडिफाइड शूट है,
वहां पर नोड्स पर लीफ लगने की बजाय फ्लोरल अपेंडेजेस लगती हैं, जैसे कि सेपल्स, पेटल्स, एंड्रोशियम, गाइनोशियम वाले अपेंडेजेस। आपका कैलिक्स एक ऐसा आउटर मोस्ट वर्ल है जिसकी अपेंडेज है सेपल। फिर आता है एक और जिसको हम बोलते हैं पेटल। फिर एक आती है एक और अपेंडेज जिसको हम बोलते हैं स्टेमन। फिर आती है एक और अपेंडेज जिसको हम बोलते हैं पिस्टल। ये सारी फ्लोरल अपेंडेजेस हैं जो नोड्स पे लगती हैं। इंटरनोड्स बहुत छोटी हो जाती है, कंडेंस हो जाती है। ये बातें उन्होंने बोली हुई है कि फ्लावर एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर आपके नोड्स जो है उस पर फ्लोरल अपेंडेजेस लगती हैं, जैसे कि सेपल, पेटल, स्टेमन, पिस्टल, और जो इंटरनोड्स है वो कंडेंस हो जाती है। ठीक है, आई थिंक इट्स मेंशनड हियर, मैंने अरेंजमेंट लिखा भी है। हाँ, इंटरनोड्स डू नॉट इलोंगेट, ठीक है, एंड द एक्सिस गेट कंस्टेंट, और फ्लोरल अपेंडेजेस लगते हैं इंस्टेड ऑफ लीफ। ठीक है, अब जब मुझे पता है कि फ्लावर शूट सिस्टम का हिस्सा है, फ्लावर में भी नोड इंटरनोड होती है और उसके इंपॉर्टेंट अपेंडेजेस क्या है, अब ये फ्लावर पाया कहाँ जाता है? इट इज फाउंड ऑन द एक्सिस ऑफ द प्लांट बॉडी, दैट इज स्टेम एक्सिस, या तो स्टेम की टिप पे लगाया होगा, तो हम बोलते हैं जब टिप पे होता है तो अकेला होता है, या फिर स्टेम के आजू बाजू लेफ्ट राइट में लगाया होगा। जब ये लेफ्ट राइट में लगता है तो इसका एक पैटर्न है लगने का, ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन या फिर एक पर्टिकुलर तरीके से लगता है। ठीक है, उस पर्टिकुलर पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन द स्टेम एक्सिस को हम इनफ्लोरेसेंस बोलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टार क्वेश्चन मार्क, व्हाट इज इनफ्लोरेसेंस? इट्स द पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन द स्टेम एक्सिस, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन द फ्लोरल एक्सिस और द स्टेम एक्सिस इज नोन एज इनफ्लोरेसेंस। अब ये दो तरीके की होती है, क्राइटेरिया आ जाता है। व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर इनफ्लोरेसेंस? वेरी 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 इंपॉर्टेंट, डिपेंडिंग अपॉन वेदर द एपेक्स गेट्स डेवलप्ड इनटू अ फ्लावर और नॉट। ये क्राइटेरिया है कि एपेक्स पे फ्लावर बनेगा, शूट टिप पे फ्लावर बनेगा कि नहीं बनेगा, उस पर दो तरीके की इनफ्लोरेसेंस है। अगर फ्लावर बनता है तो उसको हम साइमोस बोलते हैं, इसका मतलब अब शूट टिप पे फ्लावर आ गया, अब शूट टिप और ग्रो नहीं करेगी, ग्रोथ लिमिटेड ही रहेगी। ठीक है, ऐसी वाली इनफ्लोरेसेंस साइमोस। ठीक है, अगर शूट टिप पे फ्लावर नहीं बन रहा है, इसका मतलब शूट टिप कॉन्टिन्यूसली ग्रो करती रहेगी इनडिटर्मिनेटली। ठीक है, वैसे वाले इनफ्लोरेसेंस को हम बोलते हैं रेसिमोस इनफ्लोरेसेंस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, साइमोस, रेसिमोस। ठीक है, रेस, जब रेसिमोस को याद रखो, रेस लग रही है कि कौन कितना ग्रो करेगा, मैं तो अनलिमिटेडली ग्रो कर सकता हूँ, माने शूट टिप पे फ्लावर नहीं है, तो वो वाली रेसिमोस इनफ्लोरेसेंस है। ठीक है, उसका उल्टा आपका साइमोस, उसमें टिप पे फ्लावर लग जाएगा। एक और डिफरेंस इन दोनों के बीच में कि अब अरेंजमेंट, हम बोलते हैं ना कि हमारी लीव्स हमेशा एक्रोपीटल फैशन में होती है, हाई फैशन, हाई पे नया बच्चा होता है, नई लीफ होती है, वैसे ही रेसिमोस जिसको रेस लगानी है ना, कौन कितना आगे बढ़ेगा, यंग ब्लड में बड़ा जोश होता है, तो वो भी हाई फैशन करते हैं, वो भी हाइट पर नया फ्लावर लगता है। रेसिमोस शोस एक्रोपीटल अरेंजमेंट। ठीक है, अब वो जो बुढ़ा है वो बेसी पिटल, बी फॉर बुढ़ा, बी फॉर बेसी पिटल, वो बेचारा थका हुआ है, वो कह रहा है कि ठीक है कोई बात नहीं, मुझे उनसे रेस लगाने की जरूरत नहीं, मैं तो साइमोस हूँ, मेरी लिमिटेड ग्रोथ ही अच्छी है। वो बेसी पिटल पैटर्न शो करता है कि वो बड़ों को आदर देते हैं कि ठीक है जो ऊपर की तरफ है वो बड़े बड़े हैं और जो नीचे है वो यंग जनरेशन है। ठीक है, हम बड़ों की छत्र छाया में पैदा होंगे, बड़े होंगे चलेगा हमें। ठीक है, तो बड़े ऊपर छोटे नीचे, वो बुढ़ों में बड़ा ऊपर होता है, बेसी पिटल पैटर्न होता है, साइमोस इनफ्लोरेसेंस, याद रहेगा। चले आगे, अब फ्लावर की और बातें वो करते हैं, देयर इज समथिंग हम साथ साथ भी पढ़ सकते हैं, एक ओवरव्यू दे देती हूँ कि अब जो हम फ्लावर के पार्ट्स पढ़ने वाले हैं उससे हम तीन चीजें जानेंगे, एक फ्लोरल फॉर्मूला में क्या क्या इंक्लूड होता है, दो फ्लावर की जितनी भी कंडीशंस होती है एंड्रोशियम की, गाइनोशियम की, कैलिक्स की, कोरोला की, वो सब इसके अंदर आ जाएंगी जो हमें फ्लोरल फैमिलीज में यूज करनी है, तो इनको याद रखना, हम ये फ्लोरल फैमिलीज में इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, और तीसरा आपके जितने भी कैरेक्टर्स ऑफ फ्लावर है विच आर यूज फॉर क्लासिफिकेशन, ठीक है, वो भी इसी के अंदर इंक्लूड हो जाएंगे। तो व्हेन वी डिस्कस फ्लावर, हम मेजरली पूरा रिप्रोडक्शन सिस्टम डिस्कस कर रहे हैं प्लांट का, कि उसके अंदर उसके सारे
वर्ल्स हम डिस्कस करेंगे, सारी कंडीशंस हम डिस्कस करेंगे, उसका फ्लोरल फॉर्मूला किन किन वर्ड्स से बनता है वो वर्ड्स डिस्कस करेंगे, और वो कैसे फैमिलीज में यूज होते हैं। सो बिल्कुल ध्यान से सुनना है एक एक वर्ड। वो बोलते हैं जब फ्लावर के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हो तो उसका हर कैरेक्टरिस्टिक उसको आइडेंटिफाई करने में काम आता है, और उस आइडेंटिफिकेशन को हम एक फॉर्मूला में बदल देते हैं, और फिर उस हर कैरेक्टर के लिए एक सिंबल रखते हैं। आई रिपीट कि जब आप फ्लावर को पढ़ते हो, फ्लावर का हर कैरेक्टर उसकी एक आइडेंटिफिकेशन फीचर बन जाता है, जिसको आप कलेक्ट कर करके वन आइडेंटिफिकेशन फीचर, टू फीचर, थ्री फीचर, फोर फीचर जोड़कर एक फॉर्मूला बना देते हो। तो फ्लोरल फॉर्मूला में आप क्या पढ़ते हो, कैरेक्टर्स पढ़ते हो, और हर कैरेक्टर के लिए एक सिंबल होता है। एवरी कैरेक्टर हैज अ सिंबल। व्हाट कैरेक्टर्स डू यू स्टडी? यू स्टडी सेक्सुअलिटी, फ्लावर यूनिसेक्सुअल है या बाइसेक्सुअल है। यू स्टडी सिमेट्री, उसकी रेडियल सिमेट्री है या बाइलेटरल सिमेट्री है। यू स्टडी अबाउट उसके जो लीव्स है, जो उसके फ्लोरल अपेंडेजेस है, चाहे वो कैलिक्स है उसके सेपल्स, चाहे वो कोरोला है उसके पेटल्स, चाहे वो एंड्रोशियम है उसके स्टेमन्स, चाहे वो गाइनोशियम है उसके पिस्टल्स का नंबर क्या है। तो जो उसकी फ्लोरल अपेंडेजेस है उनका नंबर क्या है, वो दो नंबर के हैं, उनमें दो दो है, तीन तीन यूनिट है, चार चार यूनिट है, पांच पेटल्स हैं, चार पेटल्स हैं, तीन पेटल्स हैं, उन नंबर्स को हम पढ़ते हैं, और उन नंबर्स के लिए एक वर्ड हम यूज करते हैं कि अगर उनके पेटल्स भी तीन है, सेपल्स भी तीन है, एंड्रोशियम भी तीन है, तो हम बोलते हैं दे आर इन द मल्टीपल ऑफ थ्री, टाइमेरस। लाइकवाइज दे कैन बी इन द मल्टीपल ऑफ फाइव, पेंटामेरस। लाइकवाइज दे कैन बी इन द मल्टीपल ऑफ फोर, टेट्रामेरस। तो वो सब आप मेंशन करते हो कैसे, उस वर्ल के साथ में। कैलिक्स के लिए जो आउटर मोस्ट वर्ल है जिसमें सेपल्स होते हैं, आप के वर्ड यूज करते हो। कोरोला जिसमें पेटल्स होते हैं उसके लिए सी वर्ड यूज करते हो। एंड्रोशियम जिसमें स्टेमन होते हैं उसके लिए आप ए वर्ड यूज करते हो। गाइनोशियम के लिए आप जी वर्ड यूज करते हो। और ये सब पेंटामेरस, ट्राइमेरस आप यहाँ लिखते हो, ये नंबर्स हैं, ठीक है। अगर ये सारे के सारे नंबर्स आप मेंशन कर रहे हो तो आप एक कैरेक्टर को एक फॉर्मूला के लिए तैयार कर रहे हो। कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, अब ये जो सिंबल है आप इनको जोड़ जोड़ कर एक फॉर्मूला बना सकते हो। उसी तरीके से सिमेट्री के भी ऐसे ही टर्म्स हैं और ऐसे ही फॉर्मूला है कि अगर बाय लेटरल सिमेट्री है, दो में बराबर टूट रहा है, ठीक है, तो उसको हम जाइगोमॉर्फिक बोलते हैं। याद रखने का ईजी तरीका, डिप्लॉयड टू easily divisible into two zygote होता है, तो zygomorphic, ठीक है। वैसे ही radial symmetry के लिए आपका actinomorphic। ये symbols हैं जो कि character को identify कर रहे हैं, इनको आप इनके साथ जोड़ के floral formula बना सकते हो। तो symmetry के भी symbols हो गए, whorls के भी symbol हो गए, उनके कितने units हैं उसके लिए numbers हो गए, ठीक है। वैसे ही bract present है या नहीं है। अब ब्रैक्ट होता क्या है, जैसे हर लीफ के एक्सिल में बड होती है, उसी तरीके से हर फ्लावर के एक्सिल में ब्रैक्ट होती है। एक्सिल क्या होता है, एक एंगल। ये स्टेम है, यहाँ पे फ्लावर लग रहा है, तो ये जो एंगल है यहाँ पर एक ब्रैक्ट होगी। ये जो ग्रीन कलर की लीफ लाइक स्ट्रक्चर है इसको ब्रैक्ट बोलते हैं। जैसे हर लीफ के एक्सिल में बड लगता है, हर फ्लावर के एक्सिल में ब्रैक्ट लगता है। तो ब्रैक्ट है या नहीं है उसके लिए हम टर्म्स यूज करते हैं ब्रैक्टिएट और ई ब्रैक्टिएट। सिंबल क्या है, बीआर या फिर ईबीआर, ठीक है। तो ये आपकी सारी बातें हो गई फॉर्मूला के लिए। अब बात आती है कि जो जितने भी पार्ट्स हैं आपके फ्लावर में, ये सब एक जगह बिठाए जाते हैं। कहाँ बिठाए जाते हैं, एक स्वोलन पार्ट में जिसको हम बोलते हैं थैलेमस। थैलेमस के लिए उन्होंने एक वर्ड यूज करा है, इट इज द स्वोलन एंड ऑफ द स्टॉक। स्टॉक जो आपको कनेक्ट कर रही है टू द स्टेम, ये जो स्टॉक है इसका जो ये स्वोलन एंड है, इस स्वोलन एंड को उन्होंने क्या बोला, थैलेमस बोला। तो स्टॉक का स्वोलन एंड थैलेमस होता है, जिसमें ये सारे पार्ट डाले जाते हैं। अब ये सारे पार्ट एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है, एक ही लेवल पे है, कोई ऊपर है कोई नीचे है, इसके ऊपर इनकी एक क्लासिफिकेशन दी गई, ठीक है। और इसमें सबसे ज्यादा महत्वता दी गई फीमेल पार्ट को,
कि फीमेल पार्ट की पोजीशन बाकी सारे पार्ट्स के रिलेशन में कैसी है इस थैलेमस में, स्वोलन पार्ट में, कि फीमेल पार्ट ऊपर है या फीमेल पार्ट नीचे है, या फीमेल पार्ट और बाकी सारे पार्ट ऑलमोस्ट एक लेवल पर आ रहे हैं। तो कंपेयर टू द फीमेल पार्ट, आपके फ्लावर को अलग अलग नाम दिया गया और फीमेल पार्ट को भी एक आइडेंटिटी दी गई कि ओवरी सुपीरियर है या ओवरी इंफीरियर है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत क्वेश्चन आता है, सात नाम दिए होंगे या चार नाम दिए होंगे या फिर कितने भी नंबर हो सकते हैं, प्लांट्स के नाम दिए होंगे, हाउ मेनी आउट ऑफ दीज हैव इंफीरियर ओवरी, सीधा क्वेश्चन पूछ लेंगे, इनमें से कितने ऐसे हैं जिनके पास इंफीरियर ओवरी है। तो आपको पता होना चाहिए कि इंफीरियर ओवरी किन किन के पास होती है। इसी तरीके से पूछ लेंगे, सात आठ नाम देंगे, इनमें से किस किस के पास सुपीरियर ओवरी है, दो के पास, तीन के पास, चार के पास, पांच के पास, आपको पता होना चाहिए किनके पास सुपीरियर ओवरी होती है। ये एग्जाम्पल स्पेसिफिकली एनसीईआरटी में दिए हुए, आपको यही याद रखने हैं, इतने ही याद रख लो, वही बहुत है। और इसकी कंडीशन याद रख लो कि अगर ओवरी सुपीरियर है तो बाकी सारे पार्ट्स नीचे, माने पूरा का पूरा फ्लावर ओवरी के नीचे है, तो फ्लावर नीचा है, तो ऐसे नीचे फ्लावर के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं कि इट इज हाइपो, ठीक है, हाइपो टू हूम द फीमेल पार्ट द गाइनोशियम, इसलिए हम उसको हाइपोगाइनस फ्लावर बोलते हैं। तो जब फ्लावर नीचे होगा तो माने ओवरी सुपीरियर होगी, तो ये हाइपोगाइनस फ्लावर सुपीरियर ओवरी कौन कौन से प्लांट्स में देखी जाती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पिंक में रखा है, मस्टर्ड, आपकी ब्रासिकेसी फैमिली, चाइना रोज, ब्रिंजल, ब्रिंजल इज योर सोलिनेसी फैमिली, ठीक है, अब याद रखना चाइना रोज, चाइना रोज में अल्टरनेट फाइलोटैक्सी थी, ठीक है, चाइना रोज में सुपीरियर ओवरी है, ठीक है, प्लीज 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 रिमेम्बर चाइना रोज के सारे एग्जांपल्स याद रखने आपको, ठीक है, मस्टर्ड, चाइना रोज, ब्रिंजल, ठीक है, एंड चाइना रोज और मस्टर्ड दोनों के पास ऑल्टरनेट फाइलोटैक्सी भी थी, तो वो दोनों साथ साथ चल रहे हैं अभी तक, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सुपीरियर ओवरी समझ आ गया, हाइपोगाइनस, उसी तरीके से इंफीरियर ओवरी, एपिगाइनस फ्लावर, फ्लावर ऊपर हो जाएगा, ओवरी नीचे, तो ये इंफीरियर ओवरी किन किन के पास होती है, गुआवा, कुकुम्बर एंड रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर, स्पेसिफिकली गुआवा फैमिली। अब याद करो कि आपको गुआवा के साथ क्या पढ़ाया था, गुआवा कुकुम्बर फैमिली, जहां पे पढ़ते हो वहां याद रखो, गुआवा के पास कैसी फाइलोटैक्सी थी, ऑपोजिट, गुआवा के ऑपोजिट कौन था, गुआवा एडिबल है, गुआवा के ऑपोजिट कैलोट्रोपिस, तो कैलोट्रोपिस और गुआवा हैड ऑपोजिट फाइलोटैक्सी, एंड यहाँ पे गुआवा के पास कैसी ओवरी है, इंफीरियर, कुकुम्बर फैमिली, तो कुकुम्बर इज गोर्ड फैमिली, वाटरमेलन के पास भी क्या होगी, इंफीरियर होगी, पंपकिन के पास भी क्या होगी, इंफीरियर होगी, यहाँ पे लिंक करना आना चाहिए कि अगर कुकुम्बर के पास इंफीरियर है तो आपको याद है कि हमने कुकुम्बर फैमिली अभी इससे पहले पढ़ा था कि कुकुम्बर फैमिली में हमारे पास कौन कौन से प्लांट्स आते हैं, कुकुम्बर के अंदर आपका पंपकिन आता है, कुकुम्बर के अंदर आपका वाटरमेलन आता है, कुकुम्बर के अंदर आपका कुकुम्बर आता है, तो ये तीनों अगर चारों भी मेंशन किए होंगे तो आपको वो आने चाहिए, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। याद आ गया कि किन के पास, जी फॉर ग्रेपवाइन, जी फॉर गुआवा, गोड्स, ठीक है, इनके पास टेंड्रिल्स होती हैं, तो अगर पांच छह सात नाम दिए होंगे और उसमें कुकुम्बर दिया होगा, गुआवा दिया होगा और साथ में गोड दिया होगा, पंपकिन दिया होगा, तो वो सबके पास भी इंफीरियर ओवरी है, स्टार क्वेश्चन मार्क, ठीक है, ये आपको याद रखना है। बहुत 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 क्वेश्चन बनता है इंफीरियर ओवरी सुपीरियर ओवरी एट द सेम लेवल, जब सेम लेवल के ऊपर आपके सारे पार्ट्स होते हैं कि ओवरी और फ्लावर के सारे पार्ट्स सेम लेवल पे, तो उस टाइम पे ओवरी को हम क्या बोलते हैं, इट इज हाफ इंफीरियर। क्वेश्चन आ जाएगा, हाफ इंफीरियर किस किस के पास होते हैं, प्लम, रोज, पीच, ठीक है, सारे एक तरीके से खाने वाले हैं, प्लम भी खाने वाला है, पीच भी खाने वाला है, रोज भी लोग खाते ही है, ठीक है, वो गच्चक नहीं आती रोज वाली, तो ये सब इनकी हाफ इंफीरियर ओवरी है, पेरीगाइनस फ्लावर है। ये मैं बहुत ज्यादा फोकस करके बोल रही हूँ, मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन आ सकता है, आपको आना चाहिए, एक क्वेश्चन तो जरूर आ जाता है, सुपीरियर ओवरी, इंफीरियर ओवरी, या फिर एपीगाइनस फ्लावर, पेरीगाइनस फ्लावर, या विच फैमिली हैज दिस टाइप ऑफ फ्लावर, तो प्लीज फैमिली रिलेटेड क्वेश्चन, ओवरी रिलेटेड क्वेश्चन आपको आना चाहिए,
ठीक है, पार्ट्स ऑफ द फ्लावर में अब कैलिक्स हम पढ़ चुके हैं, आउटर मोस्ट वाला है, इसके अंदर सेपल्स होते हैं। अब वो उसकी कंडीशंस बोल रहे हैं कि सेपल्स फ्यूज्ड भी हो सकते हैं, फ्री भी हो सकते हैं। बेटा जब भी फ्यूज्ड होते हैं तो उनको हम बोलते हैं वो यूनियन में है, यूनाइटेड है। तो अगर वर्ड यूनाइटेड लिखा है इसका मतलब वो फ्यूज्ड है। उसके लिए हम बोलते हैं, जैसे फ्यूजन के लिए हम सिनगैमी वर्ड यूज करते हैं, गैमस वर्ड इज फॉर फ्यूजन। तो अगर यहाँ पे आपके सेपल्स फ्यूज्ड है तो उसको हम गैमोसेपलस कंडीशन बोलते हैं। अगर वो फ्री है तो हम उसको कहते हैं कि अब उनके अंदर कोई भी सेपल एक दूसरे से जुड़ा नहीं हुआ, वो पॉलीसेपलस है, अलग अलग है, मल्टीपल है। तो गैमो वर्ड इज फॉर फ्यूजन, पॉली वर्ड इज फॉर फ्री। और कैलिक्स के अंदर क्या होते हैं, सेपल्स। तो अगर कैलिक्स फ्यूज्ड है तो गैमोसेपलस है, कैलिक्स फ्री है तो वो पॉलीसेपलस है। और उसका रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है कि मान लो कैलिक्स में 5 सेपल्स हैं, अगर वो फ्री है तो मैं ऐसे लिखूंगी, अगर वो फ्यूज्ड है तो मैं उनको ब्रैकेट में लिखूंगी, ठीक है। ये रिप्रेजेंटेशन होगी फ्लोरल फॉर्मूला के लिए। उसी तरीके से कोरोला की बात होती है कि कोरोला में पेटल्स होते हैं, ठीक है। अब पेटल्स भी फ्री भी हो सकते हैं, फ्यूज्ड भी हो सकते हैं। फ्यूज्ड के लिए वर्ड गैमो, गैमो पेटलस कंडीशन भी हो सकती है और पॉली पेटलस कंडीशन भी हो सकती है, ठीक है। गैमो पेटलस, पॉली पेटलस। और ये जो आपके सेपल्स और पेटल्स हैं, जब ये अरेंज्ड होते हैं तो इनके भी जो एक एक यूनिट है उनकी डायरेक्शन या उनका एक दूसरे से रिलेशनशिप बड़ा फिक्स्ड होता है कि क्या ये सेपल ऐसे लगे हुए हैं, क्या ये एक दूसरे के ओवरलैपिंग लगे हुए हैं, जो ड्राइंग करते हैं उनको पता होता है। तो ये वाला जो अरेंजमेंट है सेपल्स और पेटल्स का उनके अपने अपने वर्ल में, उसको हम एस्टिवेशन बोलते हैं। और ये 4 तरीके की एस्टिवेशन है जो हमें पढ़नी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सब कुछ ही इंपॉर्टेंट है, बट जिन पे क्वेश्चन बनता है, एक एस्टिवेशन है जिसपे सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनता है, ठीक है, वेक्सिलरी एस्टिवेशन, स्टार क्वेश्चन मार्क, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। वेक्सिलरी एस्टिवेशन ऐसी एस्टिवेशन है जो कि स्पेशली कोरोला में देखी जाती है, पी प्लांट्स के, या फिर जो लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं फैबेसी फैमिली में, लेग्यूमिनेसी फैमिली में वेक्सिलरी एस्टिवेशन देखी जाती है। इसको हम पैपिलोनेशियस कोरोला बोलते हैं, क्योंकि पहले आपकी फैबेसी या लेग्यूमिनेसी को पैपिलोनेसी फैमिली बोला जाता था, इसलिए उसके कोरोला को पैपिलोनेशियस कोरोला बोला जाता है। तो अगर कभी क्वेश्चन आ जाए पैपिलोनेशियस कोरोला, वेक्सिलम, फैबेसी फैमिली का क्या अरेंजमेंट होता है, कैसी एस्टिवेशन होती है, तो वो वेक्सिलरी एस्टिवेशन होती है। उसकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पेटल्स, और एक पर्टिकुलर तरीके की पेटल्स है, 5 होती हैं, ठीक है। और उन 5 का अरेंजमेंट कैसा होता है कि एक बहुत बड़ी होती है, वो सबसे ऊपर, जो सबसे बड़ी वो सबसे ऊपर, ठीक है। 2 साइड में होती है लेटरल, उनको हम विंग बोलते हैं, और जो सबसे बड़ी है उसको हम स्टैंडर्ड बोलते हैं, ठीक है। ये जो सबसे बड़ी है इसको स्टैंडर्ड बोला, और जो साइड वाली है उनको विंग्स बोला। और 2 नीचे की तरफ होती हैं, वो बेचारी दुबकी सी होती है, वो कहती है हम तो बड़ी छोटी सी हैं, अगर हम एक साथ नहीं रहेंगे तो हमें तो ये कुचल ही देंगे। तो वो दोनों फ्यूज्ड होती हैं, ठीक है। और ये जो फ्यूज्ड 2 नीचे की तरफ होती है इसको हम बोलते हैं कील। क्वेश्चन आ जाता है कील किसमें पाया जाता है, कील वाली कौन सी पेटल्स होती हैं, या साइड वाली कौन सी पेटल्स होती हैं, सबसे ऊपर वाली पेटल को क्या बोलते हैं, हर नाम आपको पता होना चाहिए दिया हुआ है। सबसे ऊपर वाली स्टैंडर्ड, साइड वाली विंग्स, सबसे नीचे वाली कील, और ये वेक्सिलरी अरेंजमेंट है, ऊपर से नीचे फिक्स्ड डायरेक्शन है, सबसे ऊपर सबसे बड़ा, फिर साइड में लेटरल्स, और सबसे नीचे आपके दोनों फ्यूज्ड, उसके सारे एंड्स जो है वो कवर्ड है, और जो साइड में है उनका एक एंड फ्री है और एक एंड कवर्ड है, और जो सबसे ऊपर वो कहता है मैं खुला आदमी हूं, मेरा कोई भी एंड कवर्ड नहीं होगा, स्टैंडर्ड। इस तरीके का पर्टिकुलर डायरेक्शन में अरेंज जो कोरोला होगा उसको हम पैपिलोनेशियस कोरोला, वेक्सिलरी कोरोला, वेक्सिलम बोलेंगे। ये लेग्यूमिनस प्लांट्स में देखा जाता है, पी में देखा जाता है, बहुत 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 क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर, 10,000 बार मार्क कर लो, जैसे ऑस्ट्रेलियन अकेशिया था, जैसे पल्विनस था, जैसे क्लैडोड फाइलोड थे, वैसे ही ये है, इस पे बहुत क्वेश्चन बनता है, प्लीज 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 मार्क इट। वेक्सिलरी एस्टिमेशन आपको कौन सी फैमिली में देखने को मिलती है, आपको फैबेसी फैमिली में देखने को मिलती है, ठीक है। बाकी जितने भी एग्जांपल्स आपकी एनसीईआरटी में दिए हैं कि जब एंड टू एंड अरेंजमेंट हो ऐसे वाला,
कि कोई ओवरलैपिंग नहीं है, उसको वैल्वेट बोलते हैं। वो आपको कौन सी फैमिलीज में देखने को मिलता है, वैल्वेट पे क्वेश्चन नहीं आएगा, उसकी कौन से प्लांट्स में वो देखने को मिलता है जिसमें कोई ओवरलैपिंग नहीं है, कैलोट्रॉपिस। अब कैलोट्रॉपिक्स में लीव्स कैसी थी, ऑपोजिट अरेंजमेंट, उसके अंदर एस्टिवेशन कैसा है, वैल्वेट, ठीक है। फिर वो बोलते हैं कि जिसके अंदर ओवरलैप हो, चाइना रोज, ये दो तो आपको याद रखने ही रखने हैं। तो चाइना रोज में मुझे फाइलोटैक्सी पता है, अल्टरनेट होती है, ठीक है। चाइना रोज में मुझे ओवरी पता है, सुपीरियर होती है। अब चाइना रोज में मुझे एस्टिवेशन भी पता है, वो ट्विस्टेड होती है, ठीक है। तो ये जरूर याद रखने हैं, ठीक। और ये कासिया और गुलमोहर के लिए क्वेश्चन आता है कि इसके अंदर ओवरलैपिंग तो होती है बट किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं है। तो डायरेक्शनलेस ओवरलैप जो होता है वो कासिया और गुलमोहर में देखा जाता है, उसको हम इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन बोलते हैं, बिना किसी डायरेक्शन के, ठीक है। तो ये चार है जिसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चन वेक्सिलरी एस्टिवेशन पे पूछा जाता है। बाकी चारों के नाम पता होने चाहिए एंड बेस्ट है अगर आप एग्जाम्पल याद कर सकते हो। तो कमिंग बैक टू एंड्रोशियम एंड गायनोशियम, देखो एंड्रोशियम वो पार्ट है जिसमें मेल सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, उसमें स्टेमन होता है, स्टेमन में एंथर और फिलामेंट होता है। अब जैसे हमने फ्री और फ्यूज्ड कैलिक्स कोरोला के लिए पढ़ा था, वैसे ही फ्री और फ्यूज्ड हम एंड्रोशियम गायनोशियम के लिए पढ़ेंगे, ठीक है। एंड इससे पहले मैं एंड्रोशियम पे जाऊं, आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जब फ्लावर की इंट्रोडक्शन करते हैं ना, तो उसमें वो बोल देते हैं कि जरूरी नहीं है कि आपको ये चारों के चारों पार्ट्स अलग से नजर आए, ठीक है। कई बार क्या होता है कि दो पार्ट्स फ्यूज्ड होते हैं या दो पार्ट्स को आप एक दूसरे से डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। जैसे लिली फैमिली के अंदर कैलिक्स और कोरोला आपको अलग अलग देखने को नहीं मिलेगा, वो एक ही तरीके की, एक ही आउटर कवरिंग दिखेगी कि ना वो कैलिक्स है ना वो कोरोला है, वो कुछ दोनों का मिक्सचर है। तो वैसे वाले लेयर को क्या नाम देते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टार क्वेश्चन मार्क। लिली फैमिली में जब कैलिक्स और कोरोला आप डिफरेंशिएट ना कर पाओ तो उस आउटर कवरिंग को पेरियंथ बोलते हैं, माने एंथर के चारों तरफ, पेरी चारों तरफ, एंथर के चारों तरफ, एंड्रोशियम के चारों तरफ, ना वो कैलिक्स है ना वो कोरोला है, वो कौन सी फैमिली में देखा जाता है, लिली प्लांट की लिलिएसी फैमिली में देखा जाता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट स्टार क्वेश्चन मार्क, ठीक है। चलिए कमिंग टू नाउ एंड्रोशियम की फ्यूजन्स। वो बोलते देखो एंड्रोशियम औरों से भी फ्यूज कर सकता है, एंड्रोशियम अपने अंदर जो उसके एंथर और फिलामेंट से उनसे भी फ्यूज कर सकता है। और हम जानते हैं जब कोई किसी और से फ्यूज करता है तो उसको अडहेशंस बोलते हैं, जब वो अपने अंदर ही फ्यूजन शो करता है तो उनको कोहेशंस बोलते हैं। तो एंड्रोशियम की अडहेशंस भी है और एंड्रोशियम की कोहेशंस भी है। अडहेशंस को हम बोलते हैं कि हो सकता है वो पूरे के पूरे पेरियंथ से जुड़ा हो, ठीक है, या फिर हो सकता है वो सिर्फ पेटल्स से जुड़ा हो। तो जब आपका एंथर या आपका एंड्रोशियम पेटल्स से जुड़ा होता है उस कंडीशन को हम एपिपेटलस कंडीशन बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको ब्रिंजल में देखने को मिलता है सोलेनेसी फैमिली, फर्स्ट चैप्टर लिविंग वर्ल्ड में लिखा है, ब्रिंजल, धतूरा, पोटेटो, ये सब आपकी सोलेनेसी फैमिली को बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ से याद रखना है कि अगर ये चारों के लिए वर्ड आ जाए तो आपको पता होना चाहिए कि इनमें कौन सी कंडीशन है, इनमें एपिपेटलस कंडीशन है जिसमें एंड्रोशियम या फिर जो आपका एंथर फिलामेंट है इट इज फ्यूज टू द पेटल्स, ठीक है। एंड ये फ्यूजन दिखाने के लिए हम फ्लोरल फॉर्मूला में क्या टेक्निक इस्तेमाल करते हैं कि मेरे पास कैलिक्स है, कोरोला है, एंड्रोशियम है, गायनोशियम है, कोरोला और एंड्रोशियम आपस में फ्यूजन शो कर रहे हैं, ये आपकी एपिपेटलस कंडीशन है। वैसे ही एक एपिफिलस कंडीशन होती है जब वो पेरियंथ से जुड़ा होता है, तो मैं कैलिक्स कोरोला नहीं लिखती, तब मैं लिखती हूँ पेरियंथ एंड्रोशियम गायनोशियम, अब पेरियंथ एंड्रोशियम से जुड़ा है, ये आपको लिली फैमिली में देखने को मिलेगा। तो जब अब हम फैमिली पढ़ेंगे तो सोलेनेसी फैमिली का फॉर्मूला कुछ ऐसा नजर आएगा, ठीक है, लिलिएसी फैमिली का फॉर्मूला कुछ ऐसा नजर आएगा। याद रहेंगी एपिफिलस और एपिपेटलस कंडीशन, ऐसी ही कंडीशंस आपको
एंथर के अंदर, एंड्रोशियम के अंदर वाले पार्ट्स में स्टेमन विद इन एंथर एंड फिलामेंट भी देखने को मिलती है, कि अगर वो बंडल्स में अरेंज है, एक बंडल, दो बंडल, तीन बंडल, तो उनको हम बोलते हैं हमारा मोनोअडल्फस, डायअडल्फस या फिर पॉलीअडल्फस कंडीशन। एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, आपको ये वाला कंडीशन जरूर याद रखना है, पॉलीअडल्फस इज सीन इन सिट्रस, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि डायअडल्फस और मोनोअडल्फस तो फैमिलीज में ही कन्वर्ट हो जाते हैं। डायअडल्फस कंडीशन आपकी पी फैमिली में होती है, पी इज योर फैबेसी फैमिली, माने दो बंडल्स में। फैबेसी फैमिली का अगर फ्लोरल फॉर्मूला देखो तो जब हम उसमें एंड्रोशियम लिखते हैं तो 9+1 लिखते हैं, और 9 फ्यूज्ड होते हैं और एक फ्री होता है, माने दो बंडल्स हैं। तो डायअडल्फस कंडीशन आपको कहाँ देखने को मिलती है, पी में, ठीक है। पॉलीअडल्फस कहाँ देखने को मिलती है, वो आपको याद रखना है सिट्रस में। और मोनोअडल्फस एक बड़ा ही कॉमन प्लांट जिसकी हर चीज आपको याद रखनी है, चाइना रोज, ठीक है, याद रहेंगे। इसके अलावा क्वेश्चन आता है कि ठीक है फ्यूजन्स होती हैं एंड्रोशियम में, कभी कभी क्या होता है कि फिलामेंट की लेंथ अलग अलग होती है, कि एक से ज्यादा स्टेमन है, किसी का फिलामेंट बड़ा है, किसी का छोटा है। ये जो डिफरेंट लेंथ वाले कंडीशंस है, ये आपको दो तरीके के प्लांट में दिखते हैं, सैल्विया और मस्टर्ड, ठीक है। एंड ये डिफरेंट लेंथ के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं, हम डायनमस वर्ड यूज करते हैं। सैल्विया में हम बोलते हैं कि क्या कंडीशन यूज होती है, सैल्विया में होती है डाई डायनमस कंडीशन, 2+2, और मस्टर्ड में होती है टेट्रा डायनमस कंडीशन। आपको ये एग्जाम्पल आने चाहिए, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, कि सैल्विया में किस तरीके का एंड्रोशियम स्ट्रक्चर होता है, उसमें डिफरेंट लेंथ होती है, दो छोटे दो बड़े, 2+2। मस्टर्ड में टेट्रा डायनमस कंडीशन होती है, इसमें दो छोटे चार बड़े ऐसा होता है, 2+4, ठीक है। नोट्स पे मैंने सारी चीजें लिख रखी है डिटेल में, जिसको नहीं याद रहे वो 3-4 बार नोट्स भी पढ़ेगा तो उसको याद हो जाएगा, ठीक है। लास्टली कमिंग टू गाइनोशियम, अब जब हम गाइनोशियम करेंगे तो सारे फ्लोरल कैरेक्टर्स खत्म, फ्लोरल फॉर्मूला आपको लिखना आ गया, अब हमें ये फ्लोरल फॉर्मूला को फैमिली से रिलेट करना है, ठीक है। तो गाइनोशियम में वही चीज, फ्री भी हो सकता है, फ्यूज्ड भी हो सकता है, इसके अंदर पिस्टल होता है जिसमें ओवरी स्टिग्मा स्टाइल होते हैं, ठीक है, ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है, ओवरी फ्रूट बनाता है, ओव्यूल सीड बनाता है, ठीक है। ओवरी सुपीरियर भी हो सकती है, इंफीरियर भी हो सकती है, सेमी या फिर हाफ इंफीरियर भी हो सकती है, जो पेरीगाइनस फ्लावर्स होती है उनकी एग्जाम्पल्स हमने पढ़ी है। अब फ्यूज्ड ओवरी के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं और फ्री ओवरीज के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं, कि अगर एक से ज्यादा ओवरी है, ठीक है, या फिर एक से ज्यादा पिस्टन है, हम उसको बोलते हैं वो मल्टी कार्पलरी है, ठीक है। अब मल्टी कार्पलरी फ्यूज्ड भी हो सकती है सिनकार्पस, या फिर फ्री भी हो सकती है एपोकार्पस। रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स 12th में भी पढ़ते हो, सिनकार्पस ओवरी पैपावेयर सोमनीफेरम में देखी जाती है, एपोकार्पस ओवरी माइकिलिया में देखी जाती है, ये एग्जाम्पल्स 12th में दिए। उसी तरीके से यहाँ पे सिनकार्पस के क्या एग्जाम्पल्स दिए, कि किसमें आपको फ्यूज्ड गाइनोशियम देखने मिलता है, आपको मस्टर्ड में, टोमेटो में फ्यूज्ड गाइनोशियम देखने को मिलता है, ठीक है। और फ्री किसमें देखने को मिलता है, एपोकार्पस लोटस में और रोज में। स्टार क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन आता है कि रोज में, लोटस में किस तरीके का गाइनोशियम है, वो फ्यूज है या वो फ्री है, आपको पता होना चाहिए। एपोकार्पस कंडीशन लोटस और रोज में है। सिनकार्पस कंडीशन, ये आपको अपनी फैमिली से भी याद हो जाएगा, कि आपकी मस्टर्ड फैमिली का फ्लोरल फॉर्मूला दिया हुआ है, ठीक है, आपकी टोमेटो सोलिनेसी फैमिली का फ्लोरल फॉर्मूला दिया हुआ है। और जब आप ये फॉर्मूलाज देखते हो ना, उसके अंदर सब में फ्यूजन है, जी ब्रैकेट के अंदर ही है। देखो ये आपका मस्टर्ड फैमिली, ब्रासिकेसी फैमिली ब्रैकेट में है, फ्यूज्ड है। टोमेटो पोटेटो ब्रिंजल आपका सोलिनेसी फैमिली, वो भी फ्यूज्ड है, ये आपकी सोलिनेसी फैमिली है, ये भी फ्यूज्ड है। तो फ्यूज्ड याद रखना इतना डिफिकल्ट नहीं है, वो आपको वैसे ही याद रहेगा। फ्री याद रखना इंपॉर्टेंट है। लोटस और रोज में आपको एपोकार्पस कंडीशन देखने को मिलती है। इज दिस थिंग अंडरस्टूड, ठीक है। अब हमें बात करनी है मेजर आपकी तीनों फैमिलीज की। फ्रूट एंड सीड आप लोग 12th में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी हम कवर करेंगे, प्लेसेंटेशन, एम्ब्रियो, एंडोस्पर्म, ये सब पार्ट्स
हमने ट्वेल्थ में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में भी करने हैं. जो मेजर मेजर वर्ड है फ्रूट सीड के, बिफोर आई गो टू फैमिलीज, मैं आपको बता दे रही हूँ कि फ्रूट में आपको ट्रू फ्रूट, फॉल्स फ्रूट, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट और ड्रूप, ये पांच वर्ड्स पता होने चाहिए. पार्थिनोकार्पिक फ्रूट जो सीडलेस होते हैं, ठीक है, फ्रूट विदाउट सीड जिसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होती, सीडलेस फ्रूट को पार्थिनोकार्पिक फ्रूट बोलते हैं. फ्रूट ओवरी से बनता है, ओवरी वॉल को पेरिकार्प बोलते हैं, जो एंडोकार्प, मेसोकार्प और एपिकार्प में डिफरेंशिएटेड हो सकती है. अब स्टोनी एंडोकार्प किसके पास होता है, उस पर बहुत क्वेश्चन आते हैं. स्टोनी एंडोकार्प ड्रूप फ्रूट में होता है, ये दोनों ड्रूप है, मैंगो और कोकोनट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इसके पास जो फ्रूट है, जो ड्रूप है, वो स्टोनी एंडोकार्प, हार्ड एंडोकार्प वाला होता है, ठीक है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट. वन सीडेड है, मोनोकार्पलरी ओवरी से बनता है और इसके अंदर स्टोनी एंडोकार्प होता है, स्टोनी हार्ड एंडोकार्प. ये तीन फीचर्स आपको याद रखने हैं ड्रूप के. एक तो इसमें एक ही सीड होगा, स्टोनी एंडोकार्प होगा, सिंगल ओवरी होगी, ओवरी भी सिंगल, सीड भी सिंगल और स्टोनी एंडोकार्प, ठीक है. कोकोनट भी सेम टाइप का है, तो कोकोनट मैंगो दोनों ड्रूप फ्रूट है, स्टार क्वेश्चन मार्क. ग्रेप बनाना दोनों पार्थिनोकार्पिक फ्रूट है, फ्रूट में इतना मालूम होना चाहिए. सीड आपका ओव्यूल से बनता है, फर्टिलाइज सीड इज अ फर्टिलाइज ओव्यूल इज अ सीड, डायकॉट भी हो सकता है, मोनोकॉट भी हो सकता है. एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर्स सब हम दोबारा दोबारा पढ़ते हैं, किसके अंदर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में. जो दो बातें आपको मालूम होनी चाहिए कि डायकॉट सीड के अंदर दो कॉटिलेडॉन्स होते हैं, कॉटिलेडॉन्स आर एम्ब्रियोनल लीव्स, और मोनोकॉट के अंदर सिंगल कॉटिलेडॉन होता है जिसको हम स्कुटेलम बोलते हैं, ठीक है. और सीड के जो कोट है वो उसके ओव्यूल की लाइनिंग से बनते हैं, इनर लाइनिंग टेगमेंट, आउटर लाइनिंग टेस्टा, आउटर टेस्टा, इनर टेगमेंट. होल को हम माइक्रोपाइली बोलते हैं, जहां से पोलन ट्यूब एंटर करती है. हमने क्लासिफिकेशन में भी पढ़ा है एंजियोस्पर्म्स में, ओव्यूल और ओवरी का स्ट्रक्चर, इसलिए भी मैं फास्ट जा रही हूँ. एंडोस्पर्म भी हमने पढ़ा है कि वो स्ट्रक्चर होता है जो नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, ट्रिप्लॉयड होता है आपके एंजियोस्पर्म्स में. जिनके पास एंडोस्पर्म होगा वो सीड एंडोस्पर्मिक सीड, मोस्टली मोनोकॉट्स होती है. जिनके पास एंडोस्पर्म नहीं होगा वो नॉन एंडोस्पर्मिक सीड, मोस्टली डायकॉट्स होती है. क्योंकि एंडोस्पर्म एम्ब्रियो को डेवलप करने के लिए होता है. जब एम्ब्रियो में एक ही कॉटिलेडॉन डेवलप करना हो, एक ही स्टोरी बिल्डिंग बनानी हो, तो कम सीमेंट लगेगा, बच जाएगा, तो एंडोस्पर्म बच जाएगा, इसलिए मोनोकॉट सीड एंडोस्पर्मिक होती है. जब दो स्टोरी बिल्डिंग बनानी हो, दो कॉटिलेडॉन्स बनाने हो एम्ब्रियो में, तो मेरे को ज्यादा ज्यादा एम्ब्रियो को नरिशमेंट देना पड़ेगा, ज्यादा एंडोस्पर्म लगेगा, तो बचेगा नहीं. तो मेरे जो डायकॉट्स होते हैं वो नॉन एंडोस्पर्मिक होते हैं, ठीक है. एंडोस्पर्म रिलेटेड अगर क्वेश्चन आएगा, एंडोस्पर्मिक, नॉन एंडोस्पर्मिक, मोनोकॉट, डायकॉट से रिलेट करके आप कर सकते हो, ठीक है. फिर क्वेश्चन आ जाता है, सिंगल कॉटिलेडॉन को स्कुटेलम बोलते हैं, ठीक है. एंडोस्पर्म के अराउंड एक प्रोटीन रिच लेयर होती है जिसको हम एल्यूरॉन लेयर बोलते हैं, ठीक है. वो एंडोस्पर्म ऑफ मोनोकॉट सीड के अराउंड होती है. जो मोनोकॉट सीड का एम्ब्रियो होता है उसका जो प्लिम्यूल होता है वो एक अनडिफरेंशिएटेड हॉलो फोलियर शीथ में कवर्ड होता है, उसको कोलियोप्टाइल बोलते हैं. वैसे ही रेडिकल भी कवर्ड होता है, किससे, कोलियोराइजा से. कोलियो वर्ड याद रखना है, रेडिकल का राइजा, प्लिम्यूल का प्टाइल, कोलियोप्टाइल, कोलियोराइजा, विच आर अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मोनोकॉट सीड, मोनोकॉट एम्ब्रियो, ठीक है जी. सीड हो गया, फ्रूट हो गया. प्लेसेंटेशन, बहुत क्वेश्चन आते हैं प्लेसेंटेशन के ऊपर, द अरेंजमेंट ऑफ प्लेसेंटा. प्लेसेंटा जो सीड को फ्रूट से कनेक्ट करता है या फिर ओव्यूल को ओवरी से कनेक्ट करता है, वो प्लेसेंटा. जैसे मदर को बच्चे से कनेक्ट करना, बच्चा इज सीड, मदर इज फ्रूट, तो फ्रूट को सीड से कनेक्ट करने वाला प्लेसेंटा होता है, फ्यूनिकल में होता है, ठीक. अब ये प्लेसेंटा की पोजिशन अलग अलग हो सकती है. क्या क्या पोजिशन हो सकती है वो यहाँ पे दिखाते हैं, कि वो मार्जिन पे लग सकता है, वो एक्सिस पे लग सकता है, वो पराइटल हो सकता है, वो फ्री सेंट्रल हो सकता है, वो बेसल हो सकता है. इसका एक बहुत अच्छा रिप्रेजेंटेशन मैंने अपने डायग्राम्स में, एक नोट्स में बना के रखा है. इफ यू वुड लाइक टू सी एग्जांपल्स, आई लेट यू सी फ्रॉम दी एनसीईआरटी, बट रिप्रेजेंटेशन यू कैन सी फ्रॉम हियर. कैन यू अप्रिशिएट, मार्जिन माने की जो ओवरी है उसके जो चेम्बर है वो एक मार्जिन पे आके अटक जाता है. उस मार्जिन पे अगर प्लेसेंटा लगे
तो उसको मार्जिनल प्लेसेंटेशन बोलते हैं, जो आपको पी में देखने को मिलता है उसके पॉड में, मार्जिनल प्लेसेंटेशन। फिर एक्साइल माने जो एक्सिस पे लगे, कि बहुत सारी ओवरीज है, फ्यूज्ड है, ये उसका एक्सिस है। जब एक्सिस पे प्लेसेंटा लगे, ये प्लेसेंटा है, तो उसको हम एक्सियल प्लेसेंटा बोलते हैं। कि जब आपके पास ओवरी है और उसकी पेरीफेरी पे प्लेसेंटा लगे, ये प्लेसेंटा पेरीफेरी पे, ये प्लेसेंटा पेरीफेरी पे, ये प्लेसेंटा। तो जब पेरीफेरी पे प्लेसेंटा लगता है और फिर उससे सीड जुड़ती है, ऐसे वाले को हम पराइटल प्लेसेंटेशन बोलते हैं। अगर कुछ याद हो तो ये आपको कुकुम्बर में देखने को मिलता है। कभी खाया है खीरा, आंख पे लगाया है, जब आंखें दुखने लगती है तो ज्यादा डिजिटल देख देखते, तो वो जो कुकुम्बर आज देखना, उसके अंदर ऐसी पराइटल प्लेसेंटेशन आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, फ्री सेंट्रल माने सेंटर में फ्रीली अरेंज्ड है। ठीक है, एक सेंटर में बल्ब है, उसके ऊपर सारे सीड्स अरेंज्ड है इन एनी ऑर्डर। ऐसा कोई सेंटर नहीं है, ऐसा कोई पराइटल नहीं है, बल्कि खुले में एक सेंटर स्वेलिंग के ऊपर है, उसको हम फ्री सेंट्रल बोलते हैं। अगर याद करो कीवी फ्रूट आजकल गर्मी में बड़ा अच्छा लगता है, उसमें वो कैसी प्लेसेंटेशन है, फ्री सेंट्रल। जस्ट ट्राइंग टू मेक यू रिलेट, कि आपको याद रहे कि ये प्लेसेंटेशन कैसी दिखती है। ठीक है, फिर बेसल, बेस पे अगर प्लेसेंटा हो तो बेसल प्लेसेंटेशन होती है। मार्जिनल, एक्साइल, पैराइटल, फ्री सेंट्रल। अब इसको याद कैसे रखना है, जब हम क्लासेस ले रहे थे अब की बारी, तो मेरे स्टूडेंट्स ने ही मुझे हेल्प किया वो बनाने के अंदर, कि एक्साइल, पैराइटल और स्पेशली फ्री सेंट्रल के लिए। तब वैलेंटाइंस डे चल रहा था, तो हमने उसको ऐसे किया था कि फ्री में डार्लिंग ही रोज देता है। तो जब फ्री में डार्लिंग ही रोज देता है, तो डायंथर और प्राइम रोज कैसी प्लेसेंटेशन शो करते हैं, वो फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन शो करते हैं। ठीक है, तो ये तो जरूर याद कर लेना, डायंथस और प्राइम रोज फ्री सेंट्रल, डार्लिंग ही फ्री में रोज देता है। ठीक है, वैसे ही जो आपका मस्टर्ड और आर्जीमोन था, उसके लिए भी हमने एक चीज करी थी कि पिटाई मम्मी लगाती है ना, मस्टर्ड माँ। तो मस्टर्ड और आर्जीमोन वो आपका कैसा वाला प्लेसेंटेशन शो करते हैं, वो आपका पराइटल प्लेसेंटेशन शो करते हैं। ठीक है, फिर आपका एक्साइल वो चाइना रोज, टोमेटो और लेमन में होता है। ठीक है, एक्सिस ऑफ कोरोना कहाँ से आया था, चाइना से। तो चाइना रोज, टोमेटो, लेमन, नींबू निचोड़ते हो ना, उसमें भी सेंटर में सारे सीड होते हैं, बीच बीच में से निकालते हो। टमाटर में भी बीच बीच में सीड होते हैं। तो ये सारे एक्साइल प्लेसेंटेशन शो करते हैं। एक्साइल हो गया, पराइटल हो गया, फ्री सेंट्रल हो गया, मार्जिनल हमें पता है पी में होता है। ठीक है, बचा बेसल, हम बोलते हैं कि शादी करके बस बर्बादी होती है, तो वो जो बेसल वाला है, सनफ्लावर के लिए शादी, मैरीगोल्ड, मैरी, सनफ्लावर, बेसल, बस मैरीगोल्ड एंड सनफ्लावर आपकी बेसल प्लेसेंटेशन शो करते हैं। सो यू कैन रिमेम्बर दिस प्लेसेंटेशन, स्टार, क्वेश्चन मार्क, वेरी इंपॉर्टेंट, इन पे बहुत क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, वी आर थोड़ा सा लेट, बट वी आर जस्ट लेफ्ट विद फैमिलीज नाउ, फैमिलीज एंड उनके फॉर्मूले। याद रखने का बहुत सिंपल तरीका है, देखो चार फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, क्योंकि ये फॉर्मूला आपको दिया गया है एनसीईआरटी में, भले ही इसके बारे में कुछ नहीं लिखा, बट ये ब्रैसिकेसी फैमिली का फॉर्मूला है। और वो यहाँ मेंशन करते हैं कि जो मैंने फ्लोरल डायग्राम बनाया हुआ है, वो फ्लोरल डायग्राम एक रिप्रेजेंटेशन है एक फैमिली की, जिसको हम ब्रैसिकेसी फैमिली बोलते हैं। ठीक है, तो यू शुड नो कि ये फ्लोरल डायग्राम, ये फ्लोरल फॉर्मूला एक फैमिली का है, जिसको हम ब्रैसिकेसी फैमिली बोलते हैं। डायग्राम और फॉर्मूला को आपस में रिलेट करना बहुत आसान है। ये आपका मदर एक्सिस है, जो सबसे बाहर वाला वर्ल है वो कैलिक्स है, जो उसके अंदर है वो कोरोला है, जो ये ऐसे डबल डबल दिखाए हुए हैं ये एंथर है, और जो सेंटर में है वो आपका गाइनोशियम है। ठीक है, अब आपको ये कितने दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, इसका मतलब ये 6 है, और ये दो ग्रुप्स में लिखे हैं, 2 per floor 2+4। याद है मैंने अभी बताया था 2+4, दो छोटे चार बड़े, टेट्रा डायनामिस कंडीशन मस्टर्ड में होती है। कौन सी फैमिली है, ब्रासिकेसी। तो जब आप रिलेट करोगे तो आपको याद रहेगा कि अभी तो हमने पढ़ा था एंड्रोशियम में कंडीशन,
कि ब्रासिकेसी या मस्टर्ड ब्रासिका कंपेस्ट्रिस के अंदर आपको कैसी एंड्रोशियम देखने को मिलती है, टेट्रा डायनामस 2+4, ठीक है। और मैंने बोला था कि आपको फ्यूज्ड गाइनोशियम याद रखने की जरूरत नहीं, वो आपको वैसे ही याद रहेगा कि चाहे मस्टर्ड फैमिली देखो, चाहे आप टमेटो फैमिली देखो, उन सब के अंदर आपका गाइनोशियम कैसा है, फ्यूज्ड है। तो आपके पास एक सिनकार्पस गाइनोशियम है, फ्यूज्ड गाइनोशियम है ब्रैकेट में, ठीक है। एंड मस्टर्ड फैमिली की खास बात यह, सब कुछ इन द मल्टीपल ऑफ 2 है, चाहे वो ए है, चाहे वो जी है, चाहे वो सी है, चाहे वो के है, के 2+2, सी 4, ए 2+4, जी 2, एवरीथिंग इज इन द मल्टीपल ऑफ 2, ठीक है। कैलिक्स भी 4, कोरोला भी 4, एंड्रोशियम 2+4, गाइनोशियम 2, ठीक है। कैलिक्स में 4 कैसे है, 2+2, कोरोला कैसे है, 4, एंड्रोशियम कैसे है, 2+4, एंड गाइनोशियम कैसे है, 2 फ्यूज्ड है, मस्टर्ड फैमिली, टोमेटो फैमिली, फ्यूज्ड सिनकार्पस गाइनोशियम होता है। तो नाउ यू हैव टू रिलेट ऑल द कैरेक्टर्स जो हमने फ्लावर के वर्ल्ड्स में पढ़े थे इनटू द फ्लोरल फॉर्मूला एंड द फ्लोरल फैमिली, तो कहीं जाके आप क्वेश्चन मॉर्फोलॉजी में लगा पाओगे। अगर अलग अलग याद करोगे तो नहीं लगा पाओगे। आपको ये याद रखना, मैंने एंड्रोशियम पढ़ा था, उसमें मैंने पढ़ा था कि मेरा जो मस्टर्ड होता है उसके अंदर डिफरेंट लेंथ होती है, टेट्रा डायनामस कंडीशन होती है जो 2+4 होती है, तो ए 2+4 ब्रैसिकेसी फैमिली के फॉर्मूला में मुझे लिखना है, ऐसे याद करना है। गाइनोशियम मैंने पढ़ा था, सिनकार्पस गाइनोशियम मुझे किस में देखने को मिलता है, टोमेटो मस्टर्ड में, तो मस्टर्ड ब्रैसिकेसी फैमिली में मेरा जो गाइनोशियम होगा वो ब्रैकेट में लिखना है, और मस्टर्ड में सब कुछ मल्टीपल्स ऑफ 2 में है तो 2 ब्रैकेट हो गया, तो ए भी हो गया, जी भी हो गया। अब आगे के 2 बच गए, कैलिक्स और कोरोला, ये याद रखना है, मल्टीपल्स ऑफ 2 में है, टेट्रा मेरस कंडीशन है, तो आपका जो कैलिक्स है वो 2+2 है, कोरोला आपका 4 है। इज दिस थिंग अंडरस्टूड, इजी टू रिमेंबर। बायसेक्सुअल फ्लावर है मस्टर्ड फैमिली में, और रेडियल सिमेट्री शो करता है, एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री शो करता है। ज्यादातर जितनी भी हम फैमिलीज पढ़ेंगे ना, सब रेडियल सिमेट्री शो करते हैं, एक्सेप्ट वन फॉर्मूला जो आपका फैबेसी फैमिली का होता है। फैबेसी डायकॉट्स होते हैं, वो डिप्लॉयड जाइगोट जैसी जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री शो करते हैं, सिर्फ उसी के पास ये वाली सिमेट्री है, बाकी सबके पास रेडियल सिमेट्री है। जितनी फैमिली आपने पढ़नी है उन सबके पास रेडियल सिमेट्री है, इसके पास भी रेडियल है, इसके पास भी रेडियल है, ठीक है। सबके पास बाइसेक्सुअल फ्लावर है, सोलिनेसी के पास भी बाइसेक्सुअल फ्लावर है, फैबेसी के पास भी बाइसेक्सुअल फ्लावर है, लिलिएसी के पास भी बाइसेक्सुअल फ्लावर है, आपकी ब्रैसिकेसी के पास भी बाइसेक्सुअल फ्लावर है। तो पहले 2 फीचर्स तो सबके लिए याद हो गए, 4 फैमिलीज के लिए। रेडियल सिमेट्री सबके पास है बिसाइड्स फैबेसी, वो डायकॉट है, वो डिप्लॉयड है, वो जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री शो करता है परसेंटेज वाली। सबके पास बाइसेक्सुअल फ्लावर है, पहले 2 हो गए। अब कैलिक्स की बात करें, ब्रैसिकेसी का हो गया मल्टीपल्स ऑफ 2 में, 2+2, ठीक है। अगर यही चीज में फैबेसी, सोलनेसी, लिलिएसी, इसी सीक्वेंस में याद रखना, फैबेसी पी फैमिली पहले दी हुई है एनसीईआरटी में 0.1 वाली, फिर सोलनेसी दी हुई है 0.2 वाली, फिर लिलिएसी दी हुई है 0.3 वाली, ठीक है। आपको ये याद रखना है कि जब मैं कैलिक्स पढ़ती हूँ तो जो मेरे डायकॉट्स है वो मल्टीपल ऑफ 5 होते हैं, तो उसके अंदर 5 आएगा। मेरा फैबेसी फैमिली में K5 होगा, और मैंने बताया था लेग्यूमिनेसी फैमिली में जो कोरोला होता है वो पैपिलोनेशियस कोरोला होता है, वेक्सिलरी अरेंजमेंट होता है, 1+2+2, और जो आखिरी वाले 2 है वो दोनों फ्यूज होते हैं, कील फॉर्म करते हैं। आ गया? तो यू हैव टू रिलेट योर एस्टिमेशन टू योर फ्लोरल फॉर्मूला, टू योर फ्लोरल फैमिलीज, ठीक है। कि मेरे पास कैलिक्स 5 है, कोरोला 1+2+2 है, एंड्रोशियम डायडायनेमस कंडीशन, 2 ग्रुप्स में होती है, किस में होती है, पी में होती है, 9+1, तभी बताया था। गाइनोशियम क्योंकि ये फर्स्ट फैमिली है तो इसमें G1 होगा, ठीक है। सोलिनेसी आपकी सेकेंड फैमिली है, उसमें G2 है। लिलिएसी आपकी थर्ड फैमिली है, उसमें G3 है, और सारी फ्यूज है, सब ब्रैकेट में है। इजी टू रिमेंबर, जी फैबेसी 1, सोलनेसी 2, लिलिएसी 3, सारे फ्यूज्ड है, ब्रैकेट में है।
ठीक है, सारे के सारे मेरा गाइनोशियम कैसा है, इफ यू कैन सी जी ऊपर लाइन नीचे, जी ऊपर लाइन नीचे, जी ऊपर, ठीक है। तो मैं कह सकती हूँ कि मेरी ओवरी कैसी है, मेरी ओवरी सुपीरियर है, एटलीस्ट फैबेसी और सोलेनेसी में मेरी ओवरी कैसी है, सुपीरियर है। लिलिएसी में भी ओवरी कैसी है, सुपीरियर है। तो सब में मेरी ओवरी कैसी है, सुपीरियर है। तो अगर क्वेश्चन आ जाए किस किस में सुपीरियर ओवरी आपको देखने को मिलेगी, तो यू विल बी एबल टू आंसर नाउ, ठीक है। किस किस में इंफीरियर थी, आपकी कुकुम्बर फैमिली में और गुआवा में, ऐसे अपने आप को क्वेश्चन करो जब मॉर्फोलॉजी पढ़ते हो। अच्छा सुपीरियर पढ़ रहा हूँ, इंफीरियर किस किस में थी, यार मैं तो भूल गया। गाइनोशियम में थी, जी, गुआवा और कुकुम्बर, कुकुम्बर फैमिली के सारे, वाटरमेलन भी, पंपकिन भी, गोड भी, ठीक है। ऐसे याद रखनी होती है मॉर्फोलॉजी, लिंक कर करके अपने आप से क्वेश्चन पूछ पूछ के, नहीं तो नहीं याद रहेगी, ठीक है। फिर जी हो गया, ए याद करना है हमें, पहले के दो हो गए, कैलिक्स हो गया, सबके फाइव फाइव होंगे, जो भी डायकॉट्स होंगे पेंटामेरस, तो के फाइव सी फाइव, आपकी फैबेसी आपकी सोलेनेसी दोनों में के फाइव है, इसमें भी के फाइव है, इसमें भी के फाइव है, ठीक है। इफ यू वांट, बार बार स्क्रॉल करना पड़ रहा है, हम इसको यहाँ से देख सकते हैं, इजी टू रिमेम्बर कि आपकी सारी दी हुई है, फैबेसी सोलेनेसी लिलिएसी ब्रैसिकेसी, मैंने लिख के रखा है नोट्स में, यू कैन सी देम, ठीक है। जो इनके मेजर फीचर्स हैं वो भी लिखे हैं, दोनों डाइकॉट है, दोनों में के फाइव है, लिलिएसी मोनोकॉट फैमिली होती है, वो मल्टीपल्स ऑफ थ्री में होगी, जी तो मुझे मालूम है जी वन टू थ्री से, और पी भी थ्री है, ए भी थ्री है, और क्योंकि एंड्रोशियम मैंने पढ़ा था उसमें हमने एपिफिलस कंडीशन पढ़ी थी, जब फ्लावर पढ़ा था तो स्टार्टिंग में पढ़ा था कि लिली के अंदर कोई कैलिक्स कोरोला नहीं होता, उसमें पेरियंथ होता है, तो यहाँ पे पी लिखेंगे ए लिखेंगे ब्रैकेट लगाएंगे, एपिफिलस कंडीशन होती है, ठीक है। और सब कुछ थ्री 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 है, इजी हो गया। लिली एसी का, फैबेसी का कोरोला पैपिलोनेशियस कोरोला है, वन प्लस टू प्लस टू, सारे डायकॉट पेंटामेरस होते हैं, तो के फाइव हो गया, नीचे वाले का भी के फाइव हो गया, क्योंकि फैबेसी सबसे फर्स्ट फैमिली है तो जी वन हो गया, एंड्रोशियम डायडाइनमस होता है, नाइन प्लस वन हो गया, फॉर्मूला पूरा, सारी कंडीशंस भी याद हो गई, फॉर्मूला भी याद हो गया, एग्जांपल भी साथ में याद हो गया। जब आप सोलेनेसी फैमिली का देखोगे तो आपको इतना याद रखना है, वो भी डायकॉट है, उसमें भी के फाइव होगा, सी फाइव होगा, क्योंकि वो दूसरी फैमिली है तो जी टू होगा, और इसके अंदर एपिपेटलस कंडीशन होती है, हमने एंड्रोशियम में पढ़ा था, कोरोला और एंड्रोशियम आपस में फ्यूज होगा, खत्म हो गई चारों फैमिली चारों फॉर्मूला। अब बस जो आपको याद रखना है फैमिलीज के अंदर, कंडीशन सारी फॉर्मूला में कवर हो जाती है, तो आपको एक एक कंडीशन अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। डायकॉट मोनोकॉट से वेनेशन कर सकते हो, डायकॉट मोनोकॉट से एंडोस्पर्म कर सकते हो, डायकॉट मोनोकॉट से उनकी मेरस कर सकते हो, फाइव और थ्री मल्टीपल्स वाले, ठीक है। अब बस जो आपको फैमिलीज में याद रखना है वो उनके एग्जाम्पल्स और उनकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है। एग्जाम्पल्स और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में कैसे याद रखोगे कि कौन सा सोलेनेसी फैमिली के अंदर एक ऑर्नामेंटल प्लांट है, कौन सा सोलेनेसी फैमिली के अंदर एक मेडिसिनल प्लांट है, ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। जैसे कि अब उन्होंने बोलते हैं कि मेरे जितने भी प्लांट्स हैं मेरे जो सोलेनेसी फैमिली में आते हैं उनकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी बहुत क्वेश्चन आते हैं, इनमें से बहुत क्वेश्चन आएगा। मेडिसिन बेलेडोना अश्वगंधा है, ठीक है, फूड तो आपको मालूम है टोमेटो ब्रिंजल पोटेटो है, स्पाइस चिल्ली कौन सी फैमिली को बिलोंग करता है, ऑर्नामेंटल पिटूनिया कौन सा है, अब मुझे पता है दतूरा पिटूनिया टोमेटो पोटेटो ये स्टार्टिंग में लिखा हुआ है, सारे सोलेनेसी फैमिली में, तो आपको ये मालूम होना चाहिए। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पे बहुत क्वेश्चन आते हैं हर फैमिली के, कि हर फैमिली में एक मेडिसिन है, हर फैमिली के अंदर एक ना एक उसकी कोई स्पेसिफिक यूज है, जैसे सोलेनेसी में स्पाइसेस है, ठीक है, तो वो मेडिसिन और वो एक स्पेसिफिक यूज तो आपको जरूर पता होना चाहिए, वो आता ही आता है, ठीक है। जैसे फैबेसी के अंदर हम बोलते हैं कि कौन सा ऐसा है जो कि एक स्पेशल केस है, वो डाई है इंडिगो फेरा, कि इसमें से हमें डाई मिलती है, ये आपकी फैबेसी फैमिली को बिलोंग करती है। मेडिसिन कौन है, मुलेठी, ठीक है, ऑर्नामेंट कौन है, ल्यूपाइन और स्वीट पी, वैसे ही सोलेनेसी में आपका ऑर्नामेंटल कौन था, पिटूनिया, दवाई कौन थी, अश्वगंधा बेलेडोना और एक स्पेसिफिक चिली, वैसे ही लिली फैमिली में कौन है जो मेडिसिन है, एलोवेरा, कौन सी एक स्पेसिफिक ड्रग है, कॉल्चिसिन, जो माइटोटिक पॉइजन होती है,
कौन सा एक ऑर्नामेंटेड ट्यूलिप और ग्लोरियोसा. तो ऑर्नामेंटल प्लांट, मेडिसिनल प्लांट और एक स्पेसिफिक प्लांट, हर फैमिली का एक इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस आपको याद रखते हैं. वो क्वेश्चन एग्जाम्पल बेस्ड पूछ लेंगे, या फिर ऐसा भी कर सकते हैं कि एग्जाम्पल्स उठा लिए, इनमें से कौन कौन है जो कि ये वाला पर्टिकुलर कंडीशन शो करेंगे. फैमिली की कोई भी कंडीशन उठा लेंगे कि विच ऑफ देम डज नॉट शो डाई डायनेमिक कंडीशन, या विच ऑफ देम डज नॉट हैव अ सिनकार्पस ओवरी, सुपीरियर ओवरी, बायोलेट्रल सिमिट्री, सारे के सारे फैबेसी के होंगे, एक नहीं होगा फैबेसी का. पूछ लेंगे इनमें से ऐसा कौन सा है जो जाइगोमॉर्फिक सिमिट्री शो नहीं करता. तो आपको पता होना चाहिए कि जाइगोमॉर्फिक सिमिट्री हमने सिर्फ फैबेसी में पढ़ी है. अगर आपको फैबेसी के एग्जाम्पल्स आते हैं, देखो उसमें स्वीट पी दिया होगा, लुपाइन दिया होगा, इंडिगोफेरा दिया होगा और फिर एलोवेरा दिया होगा, तो आपको मालूम होना चाहिए कि एलोवेरा लिलिएसी का है, ठीक है. और लिलिएसी आपकी मोनोकॉट फैमिली है, वो एक्टिनोमॉर्फिक सिमिट्री शो करती है. वो सारे मेरे डाइकॉट्स हैं, वो जाइगोमॉर्फिक सिमिट्री शो करते हैं, ठीक है, वो मेरा फैबेसी फैमिली है. ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम्पल बेस्ड, तो आपको इस तरीके से फैमिली बेस्ड एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन लगाने आने चाहिए. और क्वेश्चन करने हैं तो कल सुबह 8 बजे आना, आई टीच यू हाउ टू सॉल्व क्वेश्चन ऑन मॉर्फोलॉजी. हर चीज तो यहाँ पे नहीं बताई जा सकती. हुर्रे, 7:40, फैमिलीज भी हो गई, फॉर्मूला भी हो गया, फ्रूट भी हो गया, सीड भी हो गया, फ्लावर भी हो गया, लीफ, स्टेम, रूट, मॉडिफिकेशंस, एवरीथिंग डन. यस समृद्धि, नाउ यू कैन आस्क योर डाउट्स. अब आप खुले शेयर हो, अब आप क्वेश्चन पूछ सकते हो. नोट्स, जितने भी एनसीईआरटी मार्किंग है और जो मैंने पावरपॉइंट में नोट्स बनाए हुए, ये सब आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे, ठीक है. दे आर अवेलेबल टू यू फॉर फ्री. फाइन, इफ यू वांट टू प्रैक्टिस क्वेश्चंस, फॉर दैट यू विल हैव टू गिव अस सम, है ना, सम करेज, सम सब्सक्रिप्शन, एंड यू विल बी एबल टू ज्वाइन अस टुमारो एट 8 AM. तो अगर मॉर्फोलॉजी तुम्हें हवा लगती है, सब्सक्राइब करो. अगर तुम्हें अच्छा लगा है पढ़ना तो लाइक करो और कल सुबह आओ, विल प्रैक्टिस क्वेश्चंस. ऑक्सालिस इज अ ग्रास, बच्चे रनर. बेटा टेपल्स वो होते हैं जो पेरियंथ में पाए जाते हैं, ना वो पेटल है ना वो सेपल है, वो टेपल है, ठीक है आयुष. वेजिटेटिव कैरेक्टर माने रूट, स्टेम, लीफ. आर्यन तुम डॉक्टर बनने वाले हो, तुम्हें जिंदगी भर पढ़ना है. इम्ब्रेस दिस, एक्सेप्ट इट. साइमोस के एक्स्ट्रा एग्जांपल्स नहीं करेंगे तो चलेगा. देखो जब हम फ्रूट पढ़ेंगे ना 12th में, तब हम स्पेशल इनफ्लोरेसेंसेस पढ़ेंगे जो 3 टाइप की होती है. मैंने नोट्स में लिखी है आपकी स्पेशल टाइप की इनफ्लोरेसेंसेस जो कि आपके एग्रीगेट फ्रूट्स बनाते हैं, ठीक है. व्हेन वी रीड फ्रूट्स इन 12th, वी विल रीड दोस स्पेशल इनफ्लोरेसेंसेस देन. एल्यूरॉन लेयर क्योंकि एंडोस्पर्म को सराउंड करता है, एंजियोस्पर्म का एंडोस्पर्म ट्रिप्लॉइड होता है, तो एल्यूरॉन लेयर भी ट्रिप्लॉइड होती है. नीश का मतलब होता है आपका स्पेशलाइज्ड हैबिटेट. अब जैसे मैं घर में रहती हूँ, ये मेरा हैबिटेट है, बट मेरा नीश कहाँ है, जहाँ मैं अपनी स्पेसिफिक, मेरा नीश मेरा घर के अंदर ये स्टूडियो है जहाँ पे मैं पढ़ा रही हूँ, ये मेरा नीश है. तो मेरा पूरा घर मेरा हैबिटेट है, बट मेरा कमरा, मेरा स्टूडियो मेरा नीश है. तो आपका स्पेशल काम करने वाले एरिया को नीश बोलते हैं. बेसल प्लेसेंटेशन का मतलब है बेटा कि ये ओवरी है, ये ओवरी है, उसके बेस पर अगर प्लेसेंटा लगाए, मान लो ये प्लेसेंटा है, ठीक है, तो ये बेसल प्लेसेंटेशन है. एग्जैक्टली, आपका कैपिटुलम जो है वो एक तरीके का रेसिमोस प्लेसेंटेशन है. नोट्स में है, अगर आपको एनसीईआरटी से एक्स्ट्रा पढ़ना है, मैंने सब कुछ नोट्स में लिखा है, वो रेगुलर क्लासेस में हम डिटेल में पढ़ सकते हैं बेटा, ठीक है. तो इसीलिए वो नोट्स में सब कुछ लिखवाया हुआ है, आपके डिफरेंट टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंसेस, स्पेशल वाली भी, साइमोस वाली भी और रेसिमोस वाली भी. यू कैन सी देम हियर, आई हैव गिवन शॉर्ट नोट्स, ठीक है, आपके साइमोस भी, आपके रेसिमोस भी. तो कैपिटुलम इज अ टाइप ऑफ रेसिमोस. अगर क्वेश्चन आता है रेसिमोस से एक्स्ट्रा, तो मलबरी के ऊपर आ जाता है कि हैंगिंग
रेसिमोस आपको किस में देखने को मिलती है? मलबरी में देखने को मिलती है, कैटकिन बोलते हैं उसको। सब्सक्राइब कैसे करें? ऐप पे जाए, सक्षम प्राइम खरीदे, बहुत कम प्राइस का है, 800-900 रुपए का है, बस खरीद ले बेटा। ऑफसेट इज अ टाइप ऑफ एक्वेटिक मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम व्हिच हैज अ शॉर्ट इंटरनोड, एंड जहां पर इंटरनोड होता है, नोड होता है, वहां पे बंच ऑफ रूट्स और बंच ऑफ लीव्स होते हैं। जैसे कि आपका वाटर लिली में देखा जाएगा, इकोर्निया में देखा जाएगा, पिस्टिया एंड इकोर्निया। बेटा स्टोलन भी एक जस्ट अबव द ग्राउंड मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम है, वो ऐसा होता है गोल। आई कैन शो यू द इमेजेस अगेन, नोट्स में सारे इमेजेस हैं, यू वांट यू कैन गो देयर एंड चेक। ठीक है, दिस इज अ स्टोलन, ऐसा वाला, ऐसा जो होता है ना, आर्च अपवर्ड्स एंड देन डाउनवर्ड्स, इसको स्टोलन बोलते हैं। अब याद रहेगा, आपकी एनसीईआरटी में स्पेशली लिखा है कि रनर कौन है आपके, ग्रासेस और स्ट्रॉबेरी, स्टोलन कौन है आपका, जैस्मिन और मिंट, सकर कौन है आपका, क्रिसैंथेमम, पाइनएप्पल, बनाना। इनको 10-10 बार रिकॉर्ड करके सुन लो, जैसे गाना सुनते हो, तो याद हो जाएगा अगर रट्टा ही मारना है तो। बेटा पेरियंथ इज कॉम्बिनेशन ऑफ कैलिक्स एंड कोरोला, ना वो कैलिक्स है ना वो कोरोला है, वो एक ही लेयर है। फ्यूजन ऑफ कैलिक्स एंड कोरोला इज कॉल्ड पेरियंथ व्हिच सराउंड्स एंड्रोशियम, क्योंकि कैलिक्स कोरोला के अंदर क्या होता है, एंड्रोशियम, तो एंड्रोशियम के बाहर क्या होगा, कैलिक्स कोरोला तो है नहीं, एक ही लेयर है, वो पेरियंथ है। बेसिपिटल माने बेस पे नया फ्लावर, एक्रोपिटल माने हाइट पे नया फ्लावर, ऐसे याद रख लो। यू कैन से करीना कील, चलेगा। स्टोलन बता दिया अभी, जो आर्च डाउनवर्ड करे जस्ट अबव द ग्राउंड की ऊंचाई उसको अच्छी लग रही, वापस से नीचे ग्राउंड पे आ जाता है, थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल होता है, उसको हम स्टोलन बोलते हैं। सकर ग्रोज ऑब्लीकली अपवर्ड्स, बेसिकली सकर एक अंडरग्राउंड स्टेम होती है, ठीक है। अब जब अंडरग्राउंड स्टेम ऊपर की तरफ आ जाए और रूटिंग शो कर दे, इसको हम सकर बोलते हैं, जो आपका क्रिसैंथेमम, बनाना, पाइनएप्पल में होता है। बेटा क्लैडोड इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ योर स्टेम, फोटोसिंथेटिक स्टेम, फाइलोक्लेड एंड क्लैडोड। फाइलोक्लेड में आपका जो मेजर स्टेम का इंटरनोड होता है, बस वही होता है, ब्रांचिंग नहीं होती, ठीक है। क्लैडोड के अंदर आपके ब्रांचेस जो होते हैं स्टेम के, वो फोटोसिंथेटिक हो जाते हैं, जैसे एस्पैरागस में। बेटा ऑफसेट एक्वेटिक है, रनर टेरिस्ट्रियल है। सकर बता दिया, अंडरग्राउंड स्टेम होती है, वो ऑब्लिकली अपवर्ड्स ग्रो करती है, क्रिसैंथेमम, बनाना, पाइनएप्पल। हाउ टू रीड फ्लोरल डायग्राम एट द एंड, स्टे कनेक्टेड, कोई बात नहीं, आर्यमन जब टाइम मिले आप देख लीजिए। देव यू डोंट हैव टू गो इनटू द डिटेल ऑफ एपिपोडियम एंड हाइपोपोडियम, इफ यू वांट आई कमेंट टैग करके तुम्हें यूट्यूब पे कमेंट में आंसर कर दूंगी, ठीक है। थैंक यू तालिबा, आई सो लाइक यू, आप मेरा लेक्चर लाइक करते हैं। स्टोलन लेखिका बताया पिछा, जो आपका हॉरिजॉन्टल स्टेम है, ठीक है, जस्ट अबव द ग्राउंड, अगर वो थोड़ा सा ऊपर गोलाई में आए और फिर नीचे आ जाए, इसको स्टोलन बोलते हैं, इसको सकर बोलते हैं। करीना कील ही होता है, अरे बाप रे कितनी बार एक ही क्वेश्चन आता है। यू शुड स्टडी एनसीईआरटी फर्स्ट, ठीक है, इफ यू नीड एक डिटेल्ड वर्जन ऑफ समथिंग या एनसीईआरटी की एक्सप्लेनेशन तुम्हें नहीं समझ में आ रही है, देन रेफर टू नोट्स। एंडोस्पर्म डाइकॉट्स में कंप्लीटली कवर हो जाता है, यूज हो जाता है, क्योंकि उनको दो कॉटिलेडॉन्स बनाने होते हैं।
मोस्टली क्वेश्चन UITS में एनसीईआरटी बेस्ड ही होंगे. देखो हम क्या कहते हैं, नीट में 80% क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं, तो 80% एनसीईआरटी होगा UITS. 20% तो तुम्हें थोड़ी सी तो तुम्हें दिखानी पड़ेगी ना कि तुम कितने दूध में और कितने पानी में. वेजिटेटिव कैरेक्टर्स पे क्वेश्चन आते हैं आते हैं. रेस्पिरेटरी रूट्स पे क्वेश्चन आ जाता है. एग्जांपल्स ऑफ स्टोलॉन रनर सकर पे क्वेश्चन आ जाता है. मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स पे क्वेश्चन आ जाता है ऑस्ट्रेलियन अकेशिया पे. फाइलोटैक्सी पे क्वेश्चन आ जाता है ऑल्टरनेट किस किस में. याद करने के बाद फॉर्मूला भूल जाता हूं मैं बता रही हूं आपको. अगर आप सिर्फ फॉर्मूला रटोगे तो आप भूल जाओगे. कंडीशन से याद रखो फैमिली कि एपिफिलस कंडीशन कौन सी फैमिली में देखने को मिलती है. लिलिएसी एपिफिलस में क्या होता है, एंड आपका जो एंड्रोशियम है वो पेरियांथ से कनेक्टेड होता है. तो वो आपको वैसे ही दो चीजें याद हो जाएगी कि लिलिएसी में एक तो पेरियांथ होता है ऊपर से एंड्रोशियम पी से कनेक्टेड होता है, ठीक है. और लिलिएसी मोनोपॉड फैमिली है तो इन द मल्टीपल जब 3 होगी तो 3+3 3+3 होगा. ऐसे याद रखोगे तो कभी फॉर्मूला नहीं भूलोगे. 1 2 3 K1 K2 K3 G1 G2 G3 L4 पता नहीं क्या क्या कैसे कैसे तुम रटते हो, वैसे तो कभी भी नहीं होगा. राइटिंग नोट्स इज इम्पोर्टेंट, डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन. किसी को लिख लिख के याद होता है, किसी को देख के फोटोजेनिक मेमोरी याद हो जाता है. आई नेवर यूज टू राइट, आई यूज टू ओनली सी और फोटो खिंच जाती थी दिमाग में, तो आई यूज टू नेवर राइट. वेक्सिलरी एस्टिमेशन बता दीजिए. ओके, वेक्सिलरी एस्टिमेशन आपको फैबेसी फैमिली में देखने को मिलता है, ठीक है. वेक्सिलरी एस्टिमेशन में क्या होता है, आपके पास एक स्टैंडर्ड होती है सबसे बड़ी लीफ, फ्लोरल लीफ, ठीक है. उसके दोनों एंड्स फ्री होते हैं, फिर साइड में दो लेटरल होते हैं, इनको हम विंग्स बोलते हैं. एक एंड कवर्ड होता है दोनों लीव्स का, एक फ्री, और सबसे नीचे आपके पास दो छोटे से फ्यूज्ड लीव्स होते हैं. दो, ये दो फ्यूज्ड है, दो साइड में है और एक सबसे पहले है. तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज्ड है, बाहर से अंदर, ठीक है. बाहर वाला हमेशा पहले लिखते हैं, अंदर वाला बाद में लिखते हैं. तो 1+2+2, तो 1 इज स्टैंडर्ड, द 2 आर लेटरल विंग्स एंड द अदर 2 व्हिच आर फ्यूज्ड फ्रॉम द कील और द करीना, व्हाट यू टॉकिंग. Stilt roots are supportive roots which are found in your maize and sugar cane. ठीक है दाऊद बेटा, पिडंकल इज लाइक पेडिसल, जो आपका स्टॉक होता है फ्लावर को अटैच करने वाला. अगर ये फ्लावर है तो ये पिडंकल है और ये स्टेम है. लीफ ब्लेड इज लीफ लमाइना. हाउ मेनी क्वेश्चंस कम, एक अकेला क्वेश्चन कभी मॉर्फोलॉजी से नहीं आता. मॉर्फोलॉजी एवोल्यूशन से लिंक्ड आ जाता है, मॉर्फोलॉजी क्लासिफिकेशन से लिंक्ड आ जाता है, मॉर्फोलॉजी रिप्रोडक्शन से लिंक्ड आ जाता है, फ्रूट सीड. एक अकेला क्वेश्चन कभी मॉर्फोलॉजी से नहीं आता. इट इज ऑलवेज लिंक्ड टू वन और द अदर चैप्टर इन आस्क्ड. यस, इन ऑल रिस्पेक्ट इट्स इनफ फॉर नीट. वामिनी पेरियांथ वो लेयर है बेटा जिसमें कैलिक्स और कोरोला अलग अलग देखने नहीं मिलता. ओके, जिसको फ्लोरल डायग्राम समझना था. अभी देखो ये लिलिएसी फैमिली का फ्लोरल डायग्राम है, ठीक है. अब हम बोलते हैं कि एंड्रोशियम के बाहर कैलिक्स और कोरोला होता है. ये मेरा एंड्रोशियम है जिसमें ये एंथर बने हुए हैं, वो एंड्रोशियम. अब यहाँ पर मेरे को ये नहीं पता लग रहा कि कैलिक्स कौन सा है कोरोला कौन सा है, क्योंकि ये सब आपस में फ्यूज्ड है. तो मैं कहती हूँ कि ये जो लेयर है जिसमें कैलिक्स कोरोला अलग से डिफरेंशिएटेड नहीं है, ठीक है. लेट्स टेक इट इन अ डिफरेंट कलर, ऑरेंज. तो ये जो लेयर है ऑरेंज वाली, ये मेरी पेरियांथ है. ना मैं इसमें कैलिक्स अलग से डिफरेंशिएट कर पा रही हूँ, ना कोरोला अलग से डिफरेंशिएट कर पा रही हूँ. ये फ्यूज्ड है दोनों. जब कैलिक्स कोरोला फ्यूज्ड हो तो उसको पेरियांथ लेयर बोलते हैं, पी विच इज आउटसाइड एंड्रोशियम, ठीक है. तो ये तरीका होता है फ्लोरल डायग्राम भी पढ़ने का कि आप एंड्रोशियम आइडेंटिफाई करो सबसे पहले. इजी होता है देखने में, पता लग जाता है ऐसे क्लाउड्स जो बने हो वो एंड्रोशियम है. उसके बाहर आपका कैलिक्स कोरोला फ्यूज्ड है तो वो पेरियांथ है. अगर उसके बाहर कैलिक्स कोरोला आपको अलग अलग नजर आ रहा है, जैसे कि यहाँ पे आपने एंड्रोशियम देखा, अब कैलिक्स
और कोरोला अलग अलग नजर आ रहे हैं, दो लेयर्स कि अंदर वाला कोरोला है, बाहर वाला कैलिक्स है, ठीक है। कितना यूनिट है, 1, 2, 3, 4, 5, और फ्यूज्ड है, दिख रहा है फ्यूज्ड है, और ये भी दिख रहा है कि जो फ्यूजन हो रही है वो इस तरीके से फ्यूजन हो रही है कि जो आपका एंड्रोशियम है वो भी जुड़ा हुआ है कैलिक्स से। कैन यू सी कि मेरा जो ये एंथर है इट इज जॉइंड विद माय कोरोला, सॉरी। तो जब ये कोरोला से जॉइंड होता है, माने पेटल से जॉइंड होता है एंड्रोशियम, वो एपिपेटलस कंडीशन होती है। सोलेनेसी फैमिली में देखने को मिलती है ना, ब्रिंजल में देखने को मिलती है, टोमेटो में देखने को मिलती है। तो ये मेरा सोलेनेसी फैमिली का डायग्राम हो गया। आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, ऐसे फ्लोरल डायग्राम को, फ्लोरल फॉर्मूला को फ्लोरल कैरेक्टर से रिलेट करो तो आपको याद करना आसान हो जाएगा। एपिपेटलस स्टेमन माने कि जो स्टेमन के एंथर और फिलामेंट है, दे आर फ्यूज्ड विद द पेटल्स, ठीक है। एपी वर्ड इन एंड्रोशियम इज यूज्ड फॉर देयर अडहेशंस टू अदर पार्ट्स ऑफ द फ्लावर। एपिपेटलस माने एंड्रोशियम इज कनेक्टेड टू पेटल्स, एपिफिलस माने एंड्रोशियम इज कनेक्टेड टू पेरियंथ। एस्पैरागस इज एन एंजियोस्पर्मिक प्लांट हु हैज एडवेंटिशियस रूट्स एंड इट हैज स्टेम ऑल्सो, ठीक है। द स्टेम शोज अ मॉडिफिकेशन ऑफ क्लैडोड, the root shows a modification of adventitious roots which are storage roots and also can perform reproduction. अब कल को मुझे बोले कि रोज एक स्टेम है या फिर एक रूट है, भैया रोज एक प्लांट है जिसके पास रूट भी है, स्टेम भी है, लीफ भी है, फ्लावर भी है। वैसे ही एस्पैरागस इज एन एंजियोस्पर्मिक प्लांट, उसके पास रूट भी है, वो अलग तरीके की मॉडिफिकेशन शो करती है, स्टेम भी है, वो अलग तरीके की मॉडिफिकेशन शो करती है, ठीक है बेटा। स्टेम टेंड्रिल कुकुरबिटा, लीफ टेंड्रिल पी, विल रीड इन फ्रूट्स जियोकार्पिक। यार हम बोलते हैं कि जब हमारा फ्रूट जो है, बेसिकली आपका डेवलपमेंट जो है सीड का, वो होने लग जाए जब वो फ्रूट के अंदर ही है, तो वैसा वाला फ्रूट हम जियोकार्पिक या फिर वीवी पैरी वाला बोलते हैं, ठीक। कल क्वेश्चन कराऊंगी सुबह आना। थैंक यू महिमा, थैंक यू निंजा। आर यू गोइंग टू गिव नीट और मॉर्फोलॉजी विद अस? आशुतोष, अब आपका डाउट क्लियर हो गया बेटा, थैंक यू। प्रखर, पेरियंथ क्लियर है वामिनी? थैंक यू प्रेरणा। क्लिंगिंग रूट्स बेटा, जो रूट्स किसी को सपोर्ट लेकर या किसी से चिपक कर रहे उनको हम क्लिंगिंग रूट्स बोलते हैं। यूजुअली हम बोलते हैं कि जो एपिफिटिक प्लांट्स होते हैं वो क्लिंगिंग रूट्स बनाते हैं, उनके पास एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है चिपकने के लिए जिसको हम वेलामन बोलते हैं, जो पानी अब्जॉर्ब करके वहां पे स्पॉन्ज की तरह या चिपकने की तरह वहां पे काम करता है, वेलामिनस रूट्स भी बोलते हैं। यस टीना, फॉर नीड इट्स इनफ। वो सरप्राइज है साक्षी, बिल्कुल करो एनटीए अभ्यास के क्वेश्चन। देखो जब मुझसे बच्चा क्वेश्चन पूछते हैं, मैम ये क्वेश्चन करे कि नहीं करे, तुम जितने क्वेश्चन कर सकते हो उतने क्वेश्चन करो, बिकॉज द मोर क्वेश्चंस यू सॉल्व, ठीक है, द बेटर यू बिकम। बट द ओनली थिंग इज कि ऐसा ना हो कि सिर्फ क्वेश्चन ही करते रह जाओ एक ही चैप्टर के, अपना टाइम डिवाइड करके, अपनी प्रायोरिटी डिवाइड करके कि हाँ मैंने इसके इतने क्वेश्चन लगा लिए अब इनफ है। यू आर द बेस्ट जज ऑफ योर नॉलेज कि आप जब क्वेश्चन कर रहे हो तो अगर रिपीटेड कॉन्सेप्ट पे 100 क्वेश्चन आ रहे हैं तो अब 100 के 100 थोड़ी करोगे, ठीक है। सो यू हैव टू चूज द सोर्स कि जिस सोर्स पे आपको अलग अलग वैरायटी के हर तरीके के कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन मिलते हैं और आपको उससे नॉलेज बढ़ती है, आप वो सोर्स चूज करो तो ज्यादा बेटर है। बेटा किसी की नजर में मोनोकॉट ज्यादा एडवांस्ड है, किसी की नजर में डाइकॉट, बट मोनोकॉट के लिए तीन रीजंस हम बोलते हैं। एक, वो ज्यादा अडैप्टेशन शो करते हैं, दे आर मोर अडैप्टेड फॉर एडवर्स एनवायरमेंटल कंडीशंस, इसलिए वो ज्यादा एडवांस है। दे हैव हायर प्रोडक्टिविटी रेट, आप फोटोसिंथेसिस में करोगे, दे आर मोस्टली C4
एंड सी फॉर लो कार्बन डाइऑक्साइड कंसेंट्रेशन को भी ज्यादा फोटोसिंथेसिस करके ज्यादा प्रोडक्टिविटी कर सकते हैं. ठीक है, दे आर मोर प्रोटेक्टेड, उनके पास पोलियोराइजर पोलियोप्टाइल होता है. अगेन दे कैन सर्वाइव इन एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशंस, दे आर स्मार्ट, तो इसलिए उनको ज्यादा एडवांस माना जाता है, बट फॉर सम वो कम एडवांस्ड है. तो डिपेंड्स. ओके कार्तिक, आई ट्राई टीच मोर इन इंग्लिश. नो सृष्टि, यू डोंट हैव टू डू एग्जांपल्स फॉर रेसिमोस एंड साइनोस. कार्तिक, आई मेक श्योर आई डू दैट. Bracts are present in the axil of the peduncle or pedicel. ठीक है, थैंक यू दाउ. आई एम सॉरी आसिफ, यू डिड नॉट लाइक इट, मे बी नेक्स्ट टाइम यू फाइंड इट बेटर. नो सृष्टि, यू डोंट हैव टू लर्न स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स. यस टीना, यू मे. Asit, it might be boring, but then again, if you are going to look at the star question mark facts, you will be able to solve much of the questions. So if anybody can help him, please tag the timestamps. He will get the star question marks. Thank you, Priya. Nahi, Srishti, you don't have to do the examples. Okay, so I'm running out of time. It's 8 o'clock, 8:01. I'm through with my doubts. If you still have any doubts, please subscribe to us. You are going to get registered in a proper group where you can ask your doubts also. We'll be solving questions also. You will get your doubts cleared then also. So that's a wrap from my end. I again repeat, you have to come tomorrow at 8 o'clock to solve questions, to apply these concepts. Sirf theory important nahi hai, uski application sabse zyada important hai. Kis tarike ke questions aate hai, kaise solve karte hai, wo bahut important hai. So please subscribe. You're going to get to learn how to solve questions. Plus, you will get to get yourself into a testing situation. Aap test series de sakte ho, aap itne sare questions attempt kar sakte ho. You have lot of benefits. Okay? All the details are given in the description. The link for subscription, the link for test series, the link for the next lecture that is going to be scheduled for you. Okay? From my side, I'm going to say good night, take care, bye-bye, sayonara, hasta la vista. The notes and the NCERT.